बाय टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये रूट रूट के अंदर का आर्गुमेंट, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस ट्वाइस एक्स प्लस ए स्क्वायर बाय टू तो कांस्टेंट है, और साइन इनवर्स एक्स बाय का डिफरेंशिएशन वन बाय रूट ओवर ऑफ वन माइनस एक्स बाय का होल स्क्वायर। अब एक्स बाय का डिफरेंशिएशन वन बाय होता है, इसे अगर मैं अच्छे से लिखूं तो ये वन बाय टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक टू टू को कैंसिल करो, माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे ए ए को कैंसिल करो, प्लस वन बाय टू, ऊपर क्या निकलेगा ए निकलेगा और नीचे क्या हो जाएगा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए के रहने के कारण ये ए स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस कैन बी रिटन एज वन बाय टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय टू ऑफ, अगर एलसीएम ले लोगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मगर यहां पे तो कैंसिल हो जाएगा इसलिए वन बाय टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कहीं डाउट है तो बोलोगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो अल्टीमेटली ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हेंस ये तो लिखना है तो लिख लो, ये वो समस्या है जहां पे तुम कुछ नहीं करते हो, डायरेक्ट चेन रूल डिफरेंशिएशन लगाते हो। किसी को डाउट है तो यहाँ पे बोलेगा, लिखना है तो लिख लो। टाइमर दे देता हूँ 2 मिनट का। हाँ बोल सर। ऐसा हो सकता है एक क्वेश्चन सर, वो ऐसे डायरेक्ट चेन रूल और इनवर्स ट्रिग फार्मूला से सॉल्व होगा सर? हाँ वैसा भी हो सकता है। हाँ हाँ वैसा भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे tan इनवर्स ऑफ x माइनस a बाय x प्लस a, तुम डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, तुम फॉर्मूला भी लगा सकते हो। लिखना है तो लिख, उसके बाद मैं डाउट्स में आ रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि इसमें मैंने जो देखा कईयों को जो डाउट्स है उस चीज को क्लियर करता हूँ। मतलब ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, लास्ट टाइम थोड़ा सा टाइम कम होने के कारण खत्म नहीं हुआ था, इसलिए भी आगे चलूं? Yes, sir. ठीक है, ये डायरेक्ट चेन रूल है, ठीक है? थोड़ा रुक जाएंगे। ठीक है, हो गया सर। सेकेंड वाला था टाइप टू में ट्रिग्नोमेट्रिक रिडक्शन लगाओगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन बड़ा हो जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं इफ वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ वन माइनस साइन एक्स बाय वन प्लस साइन एक्स फाइंड dy by dx,
इसमें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में क्या आता है, वन माइनस साइन एक्स का एक फॉर्मूला है, मगर कॉस वाला मुझे ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो ज्यादा सिंपलर फॉर्मूला है, इसलिए मैं साइन को कॉस में चेंज कर देता हूं। मतलब वन माइनस कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स बाय वन प्लस कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स। ये इसीलिए क्योंकि वन माइनस कॉस ए का फॉर्मूला था टू साइन स्क्वायर ए बाय टू, एंगल आधा हो जाता है, और वन प्लस कॉस ए का फॉर्मूला था टू कॉस स्क्वायर ए बाय टू। तो वो फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो वो मेरे पास हो जाता था टू साइन स्क्वायर ए बाय टू बाय टू कॉस स्क्वायर ए बाय टू। क्वेश्चन में सपोज दिया हुआ है कि एक्स जीरो से पाई बाय टू के बीच में है, उससे तुम्हें मॉड लगाने का जरूरत नहीं होगा, ये एक्स बाय टू, मैंने गलत फॉर्मूला लिख दिया इसलिए मैं काट रहा हूँ इसको, क्योंकि मेरा आर्गुमेंट जो है वो पाई बाय टू माइनस एक्स है, तो इसका आधा होगा टू साइन स्क्वायर पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू, नीचे वाला टू कॉस स्क्वायर पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू। तो बाहर क्या निकला, कॉट इनवर्स ऑफ टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू, मगर ये अभी कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये कॉट इनवर्स है, मगर हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि तुम कॉट इनवर्स एक्स को पाई बाय टू माइनस टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हो। आर्गुमेंट ध्यान से देखो, हाँ आर्गुमेंट यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे आर्गुमेंट टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स है, तो इस कॉट वाले में अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं, ये वाला फॉर्मूला, ताकि कैंसिलेशन हो जाए, तो ये पाई बाय टू माइनस टेन इनवर्स ऑफ टेन। अब टेन इनवर्स ऑफ टेन लिख के क्या फायदा हुआ, 10, 10 cancel. ये cancel हुआ और ये pi by 2 minus pi by 4 plus x by 2 is equal to x by 2 plus pi by 4. अगर ये y का वैल्यू तुम्हारे पास आ गया x by 2 plus pi by 4, तो dy by dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, x by 2 का differentiation 1 by 2, pi by 4 का 0। किसी को लिखना है तो लिख लो। ये वो sums है जिसमें trigonometric reduction लगाते हो, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करते हो। किसी को डाउट है तो पूछो, दो मिनट का टाइम दे रहा हूं। सर हाँ सर, मेरा क्वेश्चन नंबर 9 में वो आंसर मैच नहीं हो रहा था, ए स्क्वायर की जगह ए रहा था। मैं देख लेता हूँ, पहले कुछ बता देता हूँ यहाँ से उसके अलावा। सर मैंने लाइन नंबर 22 में मतलब 10 को कॉट में चेंज करके कॉट इनवर्स और कॉट को कैंसिल कर दिया, सही होगा ना? हाँ, कोई मतलब तुमने ये लगाया ना, 10 थीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा ना? हाँ सर, वही क्या चलूं आगे? यस सर। हाँ सर, एक सेकंड सर। इस सब में
टेन थीटा और कॉट थीटा लेने से कभी कभी आंसर तुम्हारा कुछ अलग आ सकता है, मगर ये अजीब सा चीज है कि एनसीईआरटी ने वो कंपेंसेटिंग फैक्टर वाला लॉजिक नहीं सिखाया है, इसीलिए इन जनरल मार्क्स मिल जाता है। ये जो कैंसिलेशन करते हैं, इस कैंसिलेशन के लिए एक बड़ा सा कंडीशन है अप्लाई होता है कि ये कब कब कैंसिलेशन होता है, वो एनसीईआरटी ने नहीं सिखाया है, उसके कारण इन जनरल वो सम्स देते नहीं है, आर डी शर्मा देता है। ठीक है, इस चीज में हम लोग देखते हैं जब हम लोग पेपर्स बनाते हैं कि वैसा सम्स नॉर्मली ना पड़े, मगर कभी कभी अगर ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि प्लस और माइनस में अंतर आ सकता है, और वो लॉजिक मैंने दिया भी नहीं है क्योंकि वो कोर्स में है नहीं एनसीईआरटी के। साइन इनवर्स ऑफ ट्वाइस ए एक्स, अच्छा नहीं, अब सेकंड वाला। अब उसके बाद टाइप थ्री में आते हैं। अब टाइप थ्री वो टाइप है जिसमें तुम सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस करोगे। जैसे y इज इक्वल टू, सपोज दिया हुआ है इफ प्रॉब्लम, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ट्वाइस ए एक्स रूट ओवर ऑफ वन माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर फाइन डीवाई बाय डीएक्स। अब यहाँ पे तुम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो, बहुत लंबा हो जाएगा, मगर यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या लास्ट क्लास का कोई स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन लग रहा है? बोलोगे मैं इसलिए इसे ax को ब्रैकेट में ले रहा हूँ, क्या कोई एक स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन लास्ट क्लास में दिया था ऐसा होने से? यस सर, लेट ax इज इक्वल टू क्या दिया था? साइन थीटा और कॉस थीटा। तो अगर ax को मैं साइन थीटा ले लूं तो y कैसा दिखेगा? साइन इनवर्स ऑफ 2 * ax के बदले साइन थीटा और रूट ओवर वन माइनस ए स्क्वायर के बदले क्या दिखेगा तब? ये कॉस थीटा। तो ये y का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ क्या? किसी को डाउट है तो बोलोगे साइन ट्वाइस थीटा। कैंसिल, तो y का वैल्यू ट्वाइस थीटा। मगर अब थीटा के बारे में तुम सोचोगे यहाँ से, क्योंकि साइन थीटा तुमने ए एक्स लिया है तो थीटा जो होगा वो साइन इनवर्स ऑफ ए एक्स होगा। ये लास्ट क्लास का एक तरीके से क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ ए एक्स। तो dy by dx का वैल्यू क्या है? इसमें दो प्रॉब्लम है, समझ में आया? एक तो ये प्रॉब्लम है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैंने तुम लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के टाइम में थोड़ा सा ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने वहां पे क्लास किया, कुछ लोगों को वीडियो देखने के लिए बोला तो वीडियो नहीं देखा अभी तक, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये भी एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। और तुम्हें हो रहा है नहीं पता नहीं, बट एज अ टीचर मुझे लग रहा है ये चीज की हाँ कुछ बंदों ने, मैं जान रहा हूँ कि इनवर्स नहीं किया और मैं पढ़ा रहा हूँ, पर लिखना है तो लिखो। सर इनवर्स ट्रिगो का वीडियो देखा था पर डाउट हो रहा है सर, सम्स ऑफ नहीं हो रहा। सर इनवर्स ट्रिगो का आपने जो वीडियो भेजा था वो देखा था सर, तो मगर सम्स नहीं हो रहे? सर अब हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ वीडियो देखने के बाद नहीं हो रहे थे, आपने सब लास्ट क्लास में सुना तो हो गया। ठीक है सर, ये लिखना है तो लिखो, यही चीज करना जो मैं अभी कर रहा हूँ यही चीज वहां पे करना है, वहां पे बस डिफरेंशिएशन नहीं करना होता, वहां पे रिडक्शन करना होता है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन। लिखना है तो आगे चलूं? यस सर। यस सर। चलो तो और एक टाइप आता है जिसे हम लोग कहते हैं इनवर्स ट्रिगो फॉर्मूला लगा के तुम कर सकते हो, मगर इसमें
दो प्रॉब्लम में, क्या सम ऑब्जेक्टिव टाइप में है मतलब वन मार्क्स का है, या सम चार मार्क्स का है, ये डिपेंड करेगा। अगर ये सम चार मार्क्स का है तो तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना होगा। ऑब्जेक्टिव में ये सम्स आने के चांस कम है, सीबीएसई एक मार्क्स में नॉर्मली देता नहीं है, मगर स्टिल मैं कह रहा हूं क्योंकि एक दो जगह कभी कभी ऐसा हो जाता है, एओडी में हमने देखा है कि बड़े सम को भी वो ऑब्जेक्टिव में डाल देते हैं, एएमजीएम का इनइक्वालिटी लगा के स्टेप से आंसर आ जाता है, और सेम सम को वो लोग छह मार्क्स या चार मार्क्स में भी डाल देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। तो इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा इनवर्स ट्रिगो का फॉर्मूला याद रखना होगा। हम लोग कुछ फॉर्मूला जानते हैं, जैसे 2 tan inverse x जब हमें दिखता है तो हम इसे tan इनवर्स ऑफ twice x by 1 माइनस sin इनवर्स ऑफ twice x by 1 प्लस और cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर by 1 प्लस x स्क्वायर लिख सकते हैं। जब तुम्हें 2 sin इनवर्स x दिखता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बहुत रियली बोर्ड में लगता है, मैं नीचे लिख रहा हूँ नॉट इन बोर्ड, हाँ बोर्ड ने डायरेक्टली ये फॉर्मूला, देखो मैं ऊपर लगा सकता था twice x root over 1 minus x square, ध्यान से देखो ऊपर में तुम्हारे पास क्या था, ऊपर वाला जो सम था क्या था, twice ax into root over of क्या, ये था या नहीं, तो क्या बोलते हो, ये आर्गुमेंट और ये आर्गुमेंट सेम है या नहीं? हाँ सर। तो इससे तो मुझे डायरेक्टली नहीं बोल सकते क्या होता, ये बस x के बदले ax है, तो ये क्या लिख सकते थे, 2 sin inverse ax, तो एक स्टेप में हो जाता, मगर ये मैंने ऊपर नहीं किया, ध्यान से देखो, हाँ वो मैंने इसको प्रूफ किया, ठीक है, क्योंकि ये 4 मार्क्स का सम आता है, 4 मार्क्स में डायरेक्ट लिखोगे तो हो सकता है कि टीचर मार्क्स काट दे, ठीक है, तो इसलिए, मगर फॉर्मूला लिखाने से फायदा क्या होगा कि तुम्हारे दिमाग में एटलीस्ट एक बार रहेगा कि हाँ ये सब फॉर्मूला के सम्स हैं, सब्स्टिट्यूशन से आ जाता है, और ये सब्स्टिट्यूट, ये सब्स्टिट्यूशन से यहां से सब्स्टिट्यूट किया जाता है। नंबर 4, 3 cos inverse x cos इनवर्स ऑफ 4x³ माइनस थ्राइस एक्स, 5वां 3 tan inverse x tan इनवर्स ऑफ थ्राइस एक्स माइनस, और तुम कभी किसी किताब में देखोगे डायरेक्टली उन लोग लगा देते हैं, तब तुम लोग को अब एटलीस्ट सब कंफ्यूजन नहीं होगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस तो ये भी प्लस माइनस, कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई, तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। लास्ट तुम लोग को अच्छा लगने के लिए ये वाला लिख देता हूँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो तो तुम लोग जानते हो, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। यहीं से फिर ये आ जाता है कि tan इनवर्स ऑफ, उल्टा भी कभी आ जाता है कि 1 माइनस x बाय 1 प्लस x होने से tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x लिख सकते हो, और 10वां tan इनवर्स ऑफ उल्टा होने से 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स होने से tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स x लिख सकते हो। किसी को लिखना है तो लिख लो ये फॉर्मूला, फिर आगे चलेंगे। 2 मिनट का टाइम देता हूँ, बोलोगे तो सरकाते हुए निकलूंगा, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। मैं फिर से कह रहा हूँ कौन सा यूज करोगे वो डिपेंड करेगा कि कितने मार्क्स का सम आया है, रेदर देन मेरे कुछ बोलने से। बोर्ड में अगर डायरेक्ट यूज करना है तो कुछ हद तक बोर्ड में तुम इसे यूज कर सकते हो, बोर्ड में नंबर 1 यूज हो सकता है डायरेक्टली, ये यूज हो सकता है डायरेक्टली बोर्ड में, हाँ, और ये दोनों बोर्ड में डायरेक्टली यूज हो सकता है, क्योंकि ये सम एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, इसे छोड़ के बाकी को तुम डायरेक्टली यूज नहीं करोगे, इसे छोड़ के बाकी का जो है वो जस्ट एक मोटिवेशन देगा तुम्हें कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है।
सर थोड़ा इसे स्कूल में स्कूल का तो टाइम तो और 2 मिनट देना होगा। एक लिखना भूल गया रे, टू टू वाला लिखना भूल गया हूँ। हाँ टू साइन इनवर्स एक्स तो दिया, बाकी सबका भूल एक भूल गया हूँ। हाँ टू कॉस इनवर्स एक्स भूल गया था लिखना। हाँ टू कॉस इनवर्स एक्स जो होगा वो कॉस इनवर्स ऑफ 2x² - 1 होता है। आगे चलू मैं सर, ऊपर का एक दिखा। है ठीक है, 30 सेकंड्स बाकी है। सर लास्ट वाला बोल रहे हैं, नहीं 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 डायरेक्ट यूज नहीं करो। आगे चलूं? हाँ सर, हाँ सर। जैसे अगर 4 मार्क्स में आए, फाइंड dy by dx इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x - x³/1 - 2x² और तुम अगर डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देते हो y = 3 tan inverse x तो तुम्हें कोई कोई क्यों तुम्हें 4 मार्क्स या 3 मार्क्स देगा बोलो। अब तो 4 मार्क्स नहीं है, 1+x² √1 नहीं होगा, 3 स्टेप में आंसर आ रहा है, नहीं होगा। तो ठीक है, तो वही तुम्हें मार्क्स देखना है ना। अगर ये 4 मार्क्स में आता है, अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देना, मगर अगर ये 4 मार्क्स में आता है तो तुम्हें क्या क्या सब्स्टिट्यूट करोगे आप? एटलीस्ट अब ऊपर से एटलीस्ट एक आइडिया तो हो गया ना, क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, कोई बोलेगा? और ध्यान से देखो, ये सब एक्चुअली में फॉर्मूला जो है ये 3 tan θ - 10³θ / 1 - 3 tan²θ, 10 θ का फॉर्मूला था। तो टेन इनवर्स होने के कारण तुम्हारा जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो x इज इक्वल टू होगा टेन थीटा। अगर x को tan थीटा सब्स्टिट्यूट करोगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ क्या, 3 times of tan θ - 10³θ बाय कितना, 1 - 3 tan²θ। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 36 tan थ्राइस थीटा। तो हेंस y इज इक्वल टू क्या, कैंसिल होके क्या हो जाएगा, थ्राइस थीटा। मगर x का वैल्यू अगर tan थीटा है तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan inverse x। तो y equal to कितना, 3 into tan inverse x, मतलब dy by dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3y कितना, 1+x² खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो। तो ये 4 मार्क्स का चीज हुआ, ठीक है। तो अगर वो 4 मार्क्स में आता है तो तुम्हें सब्स्टिट्यूट करके दिखाना पड़ेगा, तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं।
तो मेरे ख्याल में लास्ट क्लास के कंफ्यूजन को मैं थोड़ा सा क्लियर कर पा रहा हूँ तुम लोगों का। आगे चलूं? यस हाँ सर हाँ सर। भले तुम ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो ये वाला ये सब फॉर्मूला, मगर यहाँ पे अब मैं तुम लोगों को एक दो जगह सब्स्टिट्यूशन भी दिखाना चाहता हूँ। जैसे If y is equal to, वो लोग जाने पहले डायरेक्ट वाला करवा दे फिर वो ज्यादा बेटर है। हाँ ये फॉर्मूलास tan इनवर्स ऑफ, क्योंकि ये अपने ये हम लोगों के एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ x माइनस y इज इक्वल टू वन प्लस एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला, या tan inverse of twice x by 1 minus x square होने से 2 tan inverse x, this formula are there, तो we can use directly। तो जैसे अगर मैं तुमसे कभी पूछूं, सब जगह find dy by dx है, मैं बार बार ये नहीं लिख रहा हूं, अगर y का वैल्यू tan inverse of दस वेट में था सम गलत लिख दूंगा कंफ्यूजन हो गया। ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स डिवाइडेड बाय बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया हुआ है ये सब। अब इसमें अननेसेसरी तुम्हें कोई सब्स्टिट्यूट करने का जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें इसमें ये पैटर्न दिख रहा है, ये वाला पैटर्न? तुम बोलोगे सर नहीं दिख रहा है। क्यों सर? ये वन नहीं है। एग्जैक्टली यही तुम्हें पकड़ना है कि यहाँ पे वन होना चाहिए। सो टू मेक वन क्या करूंगा, किससे डिवाइड कर दूं? ये मोटिवेशन है। डिवाइड बाय b cos x, तो अगर मैं b cos x से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ। अगर तुम a cos x को डिवाइड करोगे b cos x से, cos cos कैंसिल हो जाएगा, तो ये a by b माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस a by b tan x। अब मुझे बोलो क्या ये इस फॉर्मूला में गिर रहा है? हाँ या ना? यस सर। तो इसलिए अब तुम इसे डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स by b a by b माइनस tan इनवर्स tan x। क्या फायदा, ये और ये कैंसिल हो गया, ये तो कांस्टेंट है, तो y का वैल्यू हो गया tan इनवर्स a by b माइनस x, तो dy by dx का वैल्यू क्या आया, 0 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख। Thank you.
आगे चलो। हाँ सर। Find dy by dx. If y equal to tan inverse of twice x by 1 minus x square, तो अब ये वाला सम। अगर तुम लोगों को समझना है तो ऊपर वाला फॉर्मूला वाला लिस्ट आया, या फॉर्मूला अगर याद है तो डायरेक्टली, क्या इस येलो वाले और इस पर्पल वाले का कोई फॉर्मूला था यहाँ पे डायरेक्ट? क्योंकि ये सब बोर्ड लेवल में, ये भी 2 tan इनवर्स x होता था और ये भी क्या होता था 2 tan इनवर्स x, तो हेंस y का वैल्यू हो जाएगा 4 tan इनवर्स x dy by dx अगर लगाओगे। अब तुम बोलोगे सर अगर ये 4 मार्क्स में आ गया तो, अगर ये 4 मार्क्स में आ गया तो फिर नॉर्मली आना तो चाहिए नहीं, मगर अगर आ गया तो पुट क्या x इक्वल टू tan थीटा लगा के दिखा देना एक बार, ठीक है? अगर 4 मार्क्स में आ गया तो बेटर है कि मैं मानता हूं कि कोई टीचर मार्क्स ना काटे तो इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाय क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या tan स्क्वायर थीटा प्लस cos इनवर्स ऑफ क्या, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस, क्योंकि ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन था। क्या फायदा हुआ, y का वैल्यू क्या हो गया tan इनवर्स ऑफ क्या tan twice थीटा प्लस cos इनवर्स ऑफ क्या cos twice theta, tan inverse tan, cos inverse cos cancel, तो y का value क्या twice theta plus twice theta, तो ये totally marks के ऊपर depend करेगा, 4 tan inverse x, अब differentiate करके देख लेना, किसी को लिखना है तो लिख लो, अगर ये 4 marks में आ गया तो this is always better, ठीक है? और अगर ये fill in the blanks में आ गया, क्योंकि तुम्हारे बारे में तो मेरे ख्याल में 30 marks का objective रहेगा, या हो सकता है उससे ज्यादा का ही हो जाए जो trend है, तब direct कर लेना। अब स्कूल में क्या होता है कि फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव में भी अगर तुम ऐसा दिखा दोगे तो गलत नहीं है, क्योंकि स्कूल के टीचर्स क्या होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, और ये मैं सीबीएसई का बात भी कह रहा हूँ और सेवा का बात भी कह रहा हूँ, कि अगर तुम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन दिखा देते हो तो क्या फायदा होता है कि बाय चांस भी अगर कैलकुलेशन कहीं पे गड़बड़ कर भी दिया, रफ में करने से ज्यादा अच्छा है कि फेयर में करके नीचे आंसर ऑप्शन नंबर ए लिखो। और सेकंड बात क्या है ना कि जब टीचर केवल 1 का ये 2 का भी ये देखता है तो वो तुमसे कुछ कनेक्ट नहीं कर पाता है कि तुम कितने सुंदर से लिखते हो, क्या करते हो, ठीक है? तो सपोज टोटल 30 सम्स है, हाँ, मगर तो रफ में तो करोगे ही ना, तो थोड़ा सा अगर स्पीड में लिख के कर देते हो तो उससे फायदा ये होता है कि टीचर से तुम्हारा एक कनेक्शन जुड़ जाता है। बाद में अगर तुम बड़े बड़े सम में कहीं थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक भी करते हो तो जहां पे टीचर को 2 मार्क्स देना चाहिए वहां पे 3 मार्क्स दे देता है, तो इसीलिए इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर कैलकुलेशन दिखाओगे, ठीक है, सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। आगे चलूं? एक सेकंड सर, बोल देना जिसने एक सेकंड बोला। हो गया सर। मगर कभी कभी सब्स्टिट्यूशन थोड़ा ट्रिकी होता है, फाइंड dy by dx इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x रूट ओवर ऑफ 1 माइनस x माइनस रूट एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो सम लिखना है तो लिख लो, मैं सम को दोबारा नीचे लिख रहा हूं। बहुत पहले सीबीएसई में आया हुआ सम है। शुरू कर रहा हूं, हाँ ध्यान से देखो। हाँ, इसमें एक चीज ऑब्जर्व करना है, एक्स रूट एक्स होने के कारण देखो मैं इसे क्या लिख रहा हूं,
वन माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स रूट आवर ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से मैं मोटिवेट होके क्या कर रहा हूं, मैं रूट एक्स को साइन ए दे रहा हूं, और यहां से मोटिवेट होके अब मैं एक्स को साइन ए नहीं दे रहा हूं, एक्स को एक अलग क्वांटिटी ले रहा हूं साइन बी। अगर मैं रूट एक्स को साइन ए ले लूं तो जहां जहां रूट एक्स आया है ये गुलाबी वाला आया वहां पे साइन ए रिप्लेस होगा, और जहां जहां एक्स आया है वहां पे साइन बी रिप्लेस होगा। तो वाई का वैल्यू क्या हुआ, साइन इनवर्स ऑफ इस एक्स के बदले, इस एक्स के बदले मैं साइन बी दूंगा रूट आवर ऑफ वन माइनस, इसके बदले मैं साइन ए दूंगा तो साइन स्क्वायर ए माइनस, अब इसके बदले मैं ये दूंगा तो ये हो जाएगा साइन ए रूट आवर ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर बी। तो फॉर्मूला अगर मैं लगाऊंगा तो वाई इक्वल टू मुझे मिलेगा ये साइन इनवर्स ऑफ साइन बी कॉस ए माइनस साइन ए कॉस बी। तो मुझे हेल्प करोगे ये क्या बनेगा, कोई फॉर्मूला गिरा ये साइन बी माइनस ए, क्या फायदा, ये कैंसिल हो गया तो y का वैल्यू क्या आया b माइनस से। अब b के बदले क्या डाल सकते हो तब, साइन इनवर्स ऑफ x, तो y तुम्हारे पास हो जाएगा ये साइन इनवर्स x और a जो था वो साइन इनवर्स रूट x था। अब जब dy by dx करोगे तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x स्क्वायर, रूट x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस रूट x का होल स्क्वायर इनटू रूट x के कारण 1 बाय कितना टू रूट एक्स, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो फिर आगे चलो। कहीं डाउट है तो बोलोगे, कहीं डाउट है तो बोलोगे, मैंने स्टार मार्क दे दिया, डेढ़ मिनट का टाइम दे रहा हूं। तुम लोग के बारे में अभी तक डिलीशन ऑफ कोर्स का कोई कुछ आया नहीं है, मगर डिलीशन ऑफ कोर्स होगा तुम लोगों का भी, हाँ मगर अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लास्ट ईयर वाला ही कंटिन्यू रखेंगे। अगर लास्ट ईयर वाला कंटिन्यू रखेंगे तो ये सब कोर्स में नहीं है, ये सब डिलीटेड पोर्शन है लास्ट ईयर का। सर कब बताएंगे वो, पहले एग्जाम तो हो जाए ट्वेल्थ वालों का, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मतलब क्या 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 क्यों नहीं बता रहे हैं मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है एटलीस्ट बता देना चाहिए था, ठीक है तो हमें भी बेटर होता। लास्ट ईयर ये सब डिलीटेड पोर्शन, डिलीटेड पोर्शन कौन सा बताया, ये पूरा डिलीटेड पोर्शन है जो मैं लास्ट एक घंटे से पढ़ा रहा हूँ लास्ट ईयर का, समझ में आया। हमें स्कूल में बोला कि कुछ डिलीट नहीं होने वाला है, वो कैसे पता चला, वो उन्हें कैसे पता चला, जब हमें नहीं पता तो मेजॉरिटी चांसेस है। हाँ नहीं 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 डिलीट, क्योंकि इतना दिन तक क्लासेस, कितना क्लास तुम लोग का, क्या दो महीने का क्लास नहीं हुआ ना, दो महीना कहाँ से मिलता है, दो महीने तक क्लास नहीं हुआ अभी तक, हाँ फिजिकल क्लास नहीं हुआ और एक महीना मुझे तो नहीं लग रहा होने वाला, तो तीन महीने का क्लास। हाँ मेरा अपना पर्सनल रहेगा, लास्ट ईयर अगर डिलीट किया तो इस साल क्यों डिलीट नहीं करेगा, समझ में आया। तो वो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो दे आर गोइंग टू डिलीट समथिंग, मगर व्हाट दे आर गोइंग टू डिलीट, क्योंकि लास्ट ईयर का डिलीशन जो था वो बहुत एब्सर्ड डिलीशन था, मतलब एक जगह डिलीट कर दिया था, उस चीज का यूज सेकंड किसी जगह में पड़ रहा था, तो हो सकता है कि दे विल टेक टाइम। ठीक है
चलो आगे चलते हैं। बस सर एक वेबसाइट में दिया है सर। वो वेबसाइट को छोड़ दो, जब तक सीबीएसई नहीं बोलता वो वेबसाइट तो ऐसे ही देते रहता है। वेबसाइट में थोड़ी ना जो लिखने में कोई कुछ जाता है उनका। हाँ अब देखो, अब कभी कभी फिर से तुम्हारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मुलेज और भी थे, इनवर्स ट्रिगो के कुछ और भी फॉर्मुलेज थे। मैं जानता हूँ कुछ कुछ लोग बोर हो रहे होंगे जो इनवर्स किया है, मगर कुछ लोगों ने नहीं किया, इसलिए मैं एक साथ में बता रहा हूँ। जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर साइन इनवर्स वन बाय अगर रेसिप्रोकल करते हो तो ये क्या बन जाता था, कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स ऑफ वन बाय एक्स को रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बन जाएगा, उल्टा भी है रे, ठीक है। और तीसरा, टेन इनवर्स वन बाय एक्स को रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बन जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स, एक्स अगर पॉजिटिव है। कुछ और एक सेट ऑफ फॉर्मूला था, वो तो अभी तुमने देखा ही था, यूज ही क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई बाय टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई बाय टू, और sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x का वैल्यू पाई बाय टू। ये लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब कभी कभी तुम्हारे पास ऐसा सम आता है प्रॉब्लम कि इफ y इज इक्वल टू, sec inverse of root x plus 1 by root x minus 1 plus sin inverse of root x minus 1 by root x plus 1, find dy by dx। एक बार ये सम लिख लोगे क्या, 15 सेकेंड दे रहा हूं। मतलब सीबीएसई जो वेबसाइट में सर जो देता है सिलेबस उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। कौन सा, जब तक cbse.nic.in में सिलेबस नहीं आता है तब तक बाकी जो भी चीज देते हैं वो ऐसे ही देते हैं। तो वो सीबीएसई कुछ एकेडमिक वाला वेबसाइट था उसमें मिला सर। वो cbse.nic.in इज द ओरिजिनल वेबसाइट। ठीक है सर। आगे चलूं? हाँ सर। ठीक। तो अब यहां पे देखो, क्या ये आर्गुमेंट इसका रेसिप्रोकल है, ये ऑब्जर्व करना हो, ये और ये अपना रेसिप्रोकल है, मगर ये वाला ऑब्जर्व करो ये sec inverse x है। तो sec inverse x को अगर मैं cos inverse बना दूं तो कोई एक रिजल्ट था क्या, sec inverse x को cos inverse of क्या बना सकता हूं, 1 by x। उस लॉजिक से y तब कैसा दिखेगा, cos inverse of क्या, root x minus 1 by root x plus 1 plus sin inverse of क्या, root x minus 1 by root x plus 1। अब बोलो कुछ अच्छा लगा, दोनों का आर्गुमेंट सेम है, इसीलिए कुछ फॉर्मूला था क्या, ऊपर देखो ना आर्गुमेंट सेम होने से ये वाला फॉर्मूला पाई बाय टू। तो y एक कांस्टेंट पाई बाय टू है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। खेला खत्म, किसी को लिखना है तो लीजिए। अब डाउट्स किसने पूछा था, अब मैं जरा डाउट्स में आ जाऊं एक बार। सर मैंने, नाम बोलो। मैंने सर दीप्तक, क्योंकि मेरे पास बहुत वो आ गया। हाँ क्या बोलते, मैसेज आया इसलिए मुझे, क्वेश्चन नंबर 6। और नहीं हृदय, ये वाला मैं क्लास के बाद ले पाऊंगा, मतलब मैं इसका डाउट पूछ रहा हूँ, क्या बोलते हैं। ओके सर। हाँ क्योंकि कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगा। हाँ और सर एक डिफरेंशिएशन का डाउट किसी का, किसने भेजा है? सर मैंने भेजा है, इधर एंगल मैंने भेजा है सर।
नहीं डिफरेंसिबिलिटी का भेजा ना तूने? हाँ सर। हाँ वो तो ठीक है, वो तो जहां कहां कहां नॉन डिफरेंसिबल है, जहां पे जीरो होता है, ये सब याद रखो। जैसे ये कहां पे नॉन डिफरेंसिबल होगा, जहां पे मॉड जीरो होता है, जब एक्स का वैल्यू जीरो होगा, ये कहां पे नॉन डिफरेंसिबल होगा? सर वन। हाँ तो वो हो गया, और मॉड तो हर समय कॉन्टिन्यूस होगा, इसलिए ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होगा। सर मैंने भेजा था आपको। हाँ एक एक करके सबका। डिफरेंशिएशन का डाउट पूछो दीपिका जी, तेरा भी डाउट डिफरेंशिएशन का नहीं, डिफरेंसिबिलिटी का है। मैं इस टॉपिक का डाउट पूछ रहा हूँ, डिफरेंसिबिलिटी का डाउट मैं लेटर ऑन लेता हूँ, इस टॉपिक का डाउट मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, जैसे एक है तेरे पास कि कह रहा है कि y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos x, कहाँ पे डिफरेंसिबल नहीं है, इज नॉट डिफरेंसिबल है, कहाँ पे डिफरेंसिबल नहीं है, तो ऐसे के लिए क्या करोगे कि dy by dx, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोई बोलेगा? सर माइनस वन बाय रूट ओवर वन, तो वन बाय माइनस वन बाय रूट ओवर ऑफ क्या, वन माइनस cos स्क्वायर x इंटू कितना बोलो, माइनस साइन x। अब ये फंक्शन वहां पे नॉन डिफरेंसिबल होगा जहां पे डिनोमिनेटर क्या होता है, जीरो होगा। हाँ तो ये नॉन डिफरेंसिबल वहां पे, ध्यान से देखो रे सम, हाँ ये फंक्शन कहाँ पे नॉन डिफरेंसिबल है ये पूछ रहा है, तो ये फंक्शन वहां पे नॉन डिफरेंसिबल होगा जहां पे डिनोमिनेटर जीरो है, तो नॉन डिफरेंसिबल वहां पे होगा जब कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू वन है, मतलब जहां पे कॉस एक्स का वैल्यू प्लस माइनस वन है, तो एक्स का वैल्यू जो होता है वो एन पाई है। ये कहीं ये सम ऐसा भी आ सकता है रे, y इज इक्वल टू सबको साइन इनवर्स x, कहाँ पे इज डिफरेंसिबल नहीं है, इज नॉट डिफरेंसिबल, तो इसके लिए अब तुम लोगों को डायरेक्टली dy by dx निकालना है। साइन इनवर्स x का डिफरेंसिएशन क्या था, रूट ओवर ऑफ, तो थोड़ा हल्ला हो जाए, कहाँ पे नॉन डिफरेंसिबल होगा बोलोगे, मुझे जरा समझ में आए तुम लोग, जहां पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, क्योंकि टेन डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है, तो x का वैल्यू प्लस माइनस वन, किसी को लिखना है तो लिख लो। सर डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने से पहले भी हम लोग कर सकते हैं सर, यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने, देखो एक्चुअली में लॉजिक क्या है कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए पॉइंट के लिए तो डिफरेंशिएशन ही निकालना होगा ना, मतलब उस टाइप के सम्स में नहीं, इस टाइप के सम में हम लोग ने डिफरेंशिएशन नहीं किया था, मगर तुम ये वाले सम में, ये सब सम में हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं कि कहाँ पे डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, बात बराबर है, क्योंकि फर्स्ट अगर मैं एफ डैश एक्स लेके भी निकालू तब भी तो यही वाला एक्सप्रेशन निकलेगा ना मेरा। हाँ सर। सो मतलब ऐसा कुछ ही सम में मतलब ऐसा कर सकते हैं सर? नहीं मतलब बात क्या है कि तुम y इज इक्वल टू एक्स थ्री पर थ्री बाय टू में भी ये काम कर सकती हो, जैसे y इज इक्वल टू रूट एक्स कहाँ पे डिफरेंशियबल नहीं है, तो dy बाय dx का वैल्यू लिखोगे तो क्या मिलेगा, 1 बाय क्या, 1 बाय 2 रूट एक्स, 1 बाय 2 रूट एक्स, और ये कहाँ पे डिफरेंशियबल नहीं होगा सर, रूट एक्स इक्वल टू 0, मगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई टीचर तुझे क्यों 4 मार्क्स देगा? हाँ सर। तो सर यहाँ पे ये बोर्ड में नहीं आएगा, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है ये बोर्ड में नहीं आएगा, तो मैं जो भी मेथड बोलूं क्या जाता है, समझ में आया? ये आरडी शर्मा का समय ना? हाँ सर है। हाँ तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, मुझे मालूम है ये बोर्ड में नहीं है। सर। हाँ बोल। सर वो इसी पेज में थोड़ा ऊपर जा सकते हैं एक डाउट था। हाँ बोल। सर वो लाइन नंबर वन में नॉन डिफरेंशिएबल x = 0 0 होने से क्या होगा मतलब? क्योंकि हमने मॉड एक्स में देखा था ना कि मॉड एक्स में क्या था, जब हम y = मॉड एक्स लेते थे तो जब इसका मैंने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला था तो मुझे माइनस वन मिला था, और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला था तो मुझे प्लस वन मिला था, तो दोनों सेम नहीं होगा ना। हाँ सर। ये ग्राफ है इसका, तो ये शार्प टर्निंग है, इसलिए फंक्शन नॉन डिफरेंसिबल हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, मतलब जब भी एक्स माइनस के दिया रहता है ये फंक्शन हर समय नॉन डिफरेंसिबल होता है जहां पे ये जीरो होता है, ये कहां पे जीरो होगा,
हर समय ठीक है ओके सर चकी दो वाला सम दो तो हो गए तेरे मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 9 को हो गया हां सर 9 का नहीं हुआ सर 10 वाला हो गया तो 9 तो वही बोला हो गया ना 10 इनवर्स ऑफ ओ ये इसमें आप कोई ये 1 प्लस x स्क्वायर है ना सर अरे ये गलती है ये 1 माइनस x स्क्वायर होना चाहिए था अच्छा सर तब हो जाएगा हां तो 1 प्लस x स्क्वायर होने से तो कोई रूल रूल नहीं लगेगा तुम्हें डायरेक्ट या तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना होगा हां ठीक है इसमें कोई सूल नहीं है हाँ और फाइव वाले का मैं भेज दूंगा सॉल्यूशन ठीक है करके हाँ सर क्योंकि वो तो इस टॉपिक में नहीं गिर रहा है ना तो इसलिए वो ठीक है वो मैं करके भेज दूंगा अब मैं आगे चल रहा हूँ ठीक है क्योंकि एक घंटा ऑलरेडी मैंने इसमें गया मेरा गया है तो अब आगे तो अब नेक्स्ट टॉपिक में जाता हूँ जिसे इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस अब इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस एक फंक्शन होता है जहां पे तुम y को f ऑफ x के टर्म में डाल सकते हो जैसे y इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x इसे एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं मतलब यहां पे तुम चाहो तुमने क्या किया y टोटली x के टर्म में है जैसे अगर मैं कभी 2 टू डी पावर एक्स प्लस 2 टू डी पावर वाई इज इक्वल टू 3 दे दूं तो ये भी तुम्हारा एक्सप्लिसिट फंक्शन है क्योंकि 2 टू डी पावर वाई को तुम लिख सकते हो 3 माइनस 2 टू डी पावर एक्स और मुझे मालूम है अगर ए टू डी पावर बी सी था तो बी का वैल्यू लॉग सी बेस ए होता था इसलिए वाई का वैल्यू लॉग 2 बेस 3 माइनस 2 टू डी पावर एक्स तो क्या वाई टोटली एक्स के टर्म में है हाँ या ना हाँ है हाँ सर तो इसलिए ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है मगर देयर आर सम फंक्शंस जहां पे ये काम तुम कभी नहीं कर सकते जैसे अगर मैं बोलूं एक्स वाई प्लस साइन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अब यहां पे तुम कभी भी नहीं ले पाओगे देखो वाई को कभी भी तुम एक्स के टर्म में लेके नहीं जा सकते हो क्योंकि साइन के अंदर एक्स वाई है ये हटाओगे तो साइन इनवर्स यहां आ जाएगा तो वो फंक्शन जहां पे हम x और y के टर्म y को f ऑफ x के टर्म में नहीं लिख सकते हैं उसे इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं तो ये लिखने का जरूरत नहीं है मैं तुम्हें बस बता दे रहा हूं अगर मैं y इज इक्वल टू f ऑफ x लिख पाऊं तो इसे क्या कहूंगा एक्सप्लिसिट फंक्शन बट इफ y कैन नॉट बी रिटन एज फंक्शन ऑफ एक्स या इन टर्म्स ऑफ एक्स तब मैं इसे क्या कहूंगा इम्प्लिसिट फंक्शन कुछ एग्जाम्पल एक्स वाई प्लस एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर कभी नहीं कर पाओगे वाई को एक्स के टर्म में किसी को लिखना है तो ये लिख लो फिर उसके बाद मैं डिफरेंशिएशन में जाऊंगा सर हेडिंग क्या था सर डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन आगे चलूं यस हाँ सर तो अब इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट क्या क्या जा कैसे किया जाता है तो देखो अगर तुम डी बाय डी एक्स करते हो किसी भी इम्प्लिसिट फंक्शन का
पहले मैं वाई के टर्म में बता रहा हूँ, साइन वाई का, तो वाई तो एक्स का फंक्शन है, कॉन्स्टेंट नहीं है, तो पहले साइन का डिफ्रेंसिएशन लिखोगे जो कॉस वाई होता है। अब वाई आने के कारण एक डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है, मतलब अगर मैं कभी तुमसे पूछूं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई टू दी पावर फाइव क्या होगा, तो क्या होगा तब ये वाई टू दी पावर फाइव का डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स चेन रूल जैसा है, मगर वाई होने के कारण क्या एक आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो अब क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ ट्वाइस एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू साइन वाई। तो शुरू करें सॉल्यूशन, क्या दिया हुआ है, ट्वाइस एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू साइन वाई, अगर दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट कर दूं तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ट्वाइस एक्स प्लस थ्री वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, तो दिस इंप्लाइज ट्वाइस एक्स का डिफ्रेंसिएशन टू इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या वन, वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा डी वाई बाय डी वाई बाय डी, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो डी, और साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, इसमें छोड़ोगे नहीं, अब इसमें से डी वाई बाय डी एक्स कॉमन लोगे, तो अगर तुम डी वाई बाय डी एक्स कॉमन लेते हो तो ये थ्री माइनस कॉस वाई और ये टू इस साइड आ गया तो माइनस टू, तो पीछे जब एनसीईआरटी का आंसर देखोगे तो ये माइनस टू बाय थ्री माइनस कॉस वाई आएगा। किसी को भी डाउट है तो बोलो, लिखना है तो लिखो। सर वो डी वाई बाय डी एक्स क्यों आया सर, क्योंकि वाई एक्स का फंक्शन, जैसे चेन रूल था, चेन रूल में क्या करते थे सर, सेपरेटली निकालते थे, सेपरेटली निकालते थे ना, जैसे डी बाय डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स में क्या करते थे सर, पहले कॉस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ क्या एक्स स्क्वायर, तो सेम लॉजिक से, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी तो एक्स का फंक्शन नहीं है, तुमने डिफरेंशिएट किया, वैसे ही वाई के लिए तुम्हें डी वाई बाई डी एक्स लिखना होगा, क्योंकि वाई कांस्टेंट है ना, वाई तो एक्स के साथ वेरी कर रहा है ना, ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर मैं वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोल देता तो क्या लिखती, इसी सम में अगर मैं वाई को एक्स स्क्वायर लिख लेता तब ये वाला कैसा दिखता, डी वाई डी एक्स ऑफ कैसा साइन वाई दिखता है नहीं, हाँ सर, और तब क्या करती, अगर मैंने एक्स स्क्वायर को वाई लिख दिया तब इसका वैल्यू क्या होगा डी वाई डी एक्स ऑफ क्या साइन वाई क्या हो जाएगा, हाँ तब यहाँ पे कोई वाला बात है, हाँ क्योंकि वाई एक्स का फंक्शन है, वो क्या फंक्शन है मुझे नहीं मालूम है, यहाँ पे पता है वो एक्स स्क्वायर है तो तूने डिफरेंशिएट कर दिया ट्वाइस, हाँ सर ठीक है, यहाँ पे तुझे नहीं पता है तो इसलिए वो डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है। आगे चलूं? यस सर, यस सर, बाकी है सर, ठीक है, हाँ सर हो गया, प्रतीक्षा तूने जो सम भेजा था वो भी तो आज कर दिया ना, वन प्लस साइन एक्स वन माइनस साइन एक्स, हाँ सर कर दिया, वो हो गया था, ठीक है ऊपर करवा दिया, आगे चलूं, चलो हाँ सर, तो जैसे अगर मैं कभी ये बोलूं कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स वाई प्लस वाई टू दी पावर फोर इक्वल टू ट्वेंटी फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो तुम्हें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू दी पावर फोर ट्वेंटी, तो तुम डिफरेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, अगर तुम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस एक्स,
मगर एक्स वाई का डिफरेंशिएशन चेन रूल लगेगा या नहीं, एक्स वाई, और वाई टू पावर फोर का डिफरेंशिएशन कोई बोलेगा, फोर वाई क्यूब, मगर साथ में क्या रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स, और 20 का डिफरेंशिएशन जीरो, तो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन, x को छोड़ो y को डिफरेंशिएट करो तो क्या dy by dx plus y को छोड़ो x को डिफरेंशिएट करो, x का डिफरेंशिएशन आगे छोड़ दो ना, वो तो सजा के लिख लोगे ना, आंसर इसके टर्म में नहीं होगा, dy by dx कॉमन ले लेना, वो तुम लोग का काम है, किसी को लिखना है तो लिखो, कहीं डाउट है तो बोलो। आगे चलो, यस सर, एक सेकंड सर, इट्स लास्ट सर, इसका फाइनल आंसर क्या होगा सर? वो लिख ले, फाइनल आंसर इसका क्या होगा, अब फाइनल आंसर निकालना होगा मुझे, तो तू बोलते जाना, पहले कांस्टेंट टर्म क्या क्या है मुझे बोलते जा, जिसने फाइनल आंसर पूछा, तो आई सेक्स प्लस वाई प्लस क्या डी वाई बाई डी एक्स के साथ क्या आएगा बोलना, फाइव एक्स प्लस फोर वाई क्यूब, तो फिर dy by dx सर वो 5y होगा सर, 5y नहीं सर, 2x plus 5y, तो dy by dx क्या आ जाएगा, आया समझ में, जिसका डाउट था फाइनल आंसर क्या होगा, कैसे लिखा जा रहा है समझ में आ रहा है नहीं सर, इज इट ओके, ठीक है, yes, sir. आगे चल रहा हूं, लगातार कुछ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के सम्स करवाऊंगा, हाँ क्वेश्चन नंबर वन, इफ x root over of 1 plus y plus y root over of 1 plus x equal to 0, prove that dy by dx is equal to minus 1 by 1 plus x ka whole square. Likhna hai to likh lo question ek baar. चलू आगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन विल नॉट गिव द आंसर, मेरा कहना है कि ये वो नॉर्मली तो ये उस टाइप में आता है जिस टाइप में तुम्हें पहले से याद रखना होगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो आंसर नहीं आएगा, इसके अंदर एक कॉमन फैक्टर होता है जो हटाना होता है सॉल्यूशन, बोर्ड में ऐसा आने का चांस है क्या, ये बोर्ड का ही है इसलिए हॉर्स से, ये सब बोर्ड में आने का चांस है जितना करवा रहा हूं, जो बोर्ड में आने का चांस नहीं होगा वो मैं बोलूंगा, समझ में आ रहा है, तो इस याद रखो मुझे मालूम है ये बोर्ड बैच है, हाँ तो इसीलिए मैं बोलूंगा जब, वही वरना हर एक चीज बोर्ड में आने का चांस है, ठीक है, तो थोड़ा भी टफर होने से बोर्ड में नहीं आएगा वो केस नहीं होता है, बोर्ड में 4 और 6 मार्क्स के सम्स आते हैं, तो वो मैं बोल दूंगा उस चीज का चिंता मत करो, जो नहीं आएगा वो बोलूंगा, जहां नहीं बोल रहा हूं वो आएगा,
तो अब यहाँ पे तुम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करने से आंसर्स नहीं आते हैं, तो सर क्या करेंगे, एक्स रूट ओवर ऑफ वन प्लस वाई इज इक्वल टू, इस साइड लेके जाके दोनों साइड स्क्वायर करना होगा। जब स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर के साथ वन प्लस वाई आएगा और वाई स्क्वायर के साथ ये रूट ओवर हट जाएगा और ये वन प्लस एक्स हो जाएगा। तो दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स, सबको एक साइड लेके जा रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर एक्स को इस साइड लेके आ रहा हूं माइनस एक्स स्क्वायर वाई। क्वेश्चन में सपोज दिया हुआ है एक्स नॉट इक्वल टू वाई, हाँ तो दिस कैन बी रिटन एज, वरना वो भी एक केस लेना होता है, हाँ एक्स प्लस वाई एक्स वाई, मगर मेरे ख्याल में तो मैं ये कैंसिल कर रहा हूं, जब मैं ये कैंसिल करूंगा तो मुझे माइनस वन मिलेगा, ध्यान से देखो कहीं डाउट है तो, और वो जीरो वाला पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि मैंने ऊपर एक्स नॉट इक्वल टू वाई दे दिया। अब ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है या इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्या इसे तुम एक्सप्लिसिट फंक्शन बना सकते हो, हाँ या ना, जरा ध्यान से देखो क्या वाई एक्स के टर्म में आ सकता है, यस सर। तो एक्स वाई प्लस वाई, मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ एक्स को इधर लेके जा रहा हूँ, मतलब y का वैल्यू मेरे पास आया माइनस एक्स बाय वन प्लस एक्स। अब dy बाय dx कर लो, तो dy बाय dx क्या होगा, वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर वन प्लस एक्स, u बाय v लगा रहा हूँ रे, मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू x, कहीं डाउट है तो मुझे बोलोगे, माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस वन होता है, माइनस ऑफ माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन होगा, तो अगर ब्रेक करोगे तो माइनस वन माइनस एक्स प्लस एक्स बाय वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, कैंसिल करो क्या मिला, डीवाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये चार मार्क्स का सम में आता है, हाँ आएगा ही मोटा मोटी, तुम लोगों के प्री बोर्ड बोर्ड कभी ना कभी फंसेगा ही, इसलिए मैं ये हॉर्स दे रहा हूँ, हाँ मैं इसीलिए ये सबको हॉर्स दे रहा हूँ, ठीक है, ये सबको मैं हॉर्स दे रहा हूँ, हाँ कि एकदम इम्पोर्टेंट है ये सब चीजें, हाँ आता है और मार्क्स सम को छोड़ के आ जाते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, ठीक है, तो जो क्वेश्चन था प्रतीक्षा का, हाँ समझो उस चीज को, ठीक है, जो सीबीएसई में नहीं होगा वो मैं बोलूंगा और जहां मैंने नहीं बोला वो सब सीबीएसई में आता है, ठीक है, मैं जब बोर्ड कराता हूँ तो बोर्ड में मैं थोड़ा भी एक्स्ट्रा नहीं कराता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि बोर्ड में एक्स्ट्रा कराने से कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होने लगता है। हाँ मगर कोई सम चार साल में एक बार आता है, मगर वो कराना भी जरूरी है क्योंकि तो क्या पता तुम्हारे बारे में आ जाए। आगे चलूं? यस सर। लिख लिया सबने? क्योंकि आज सब लंबा सम होगा, हाँ आगे चल रहा हूं। तो ये यहां पे एल्गोरिथम याद रखो कि स्क्वायर प्लस कैंसल ऑफ कॉमन फैक्टर, उसके बाद वाले में कभी कभी इनवर्स सीगो सब्स्टिट्यूशन लगता है, इफ ये तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही सम है, प्रूव दैट
dy by dx equal to root over of, लिखना है तो लिख लो, आगे चलूं? Yes. मेरे पास अभी ज्यादा मोटिवेशन नहीं है, जैसे इससे पहले तुम बोलोगे सर आपने क्यों स्क्वायर किया, जहां मोटिवेशन होगा वहीं पे दे पाऊंगा, मगर यहां पे थोड़ा सा है मोटिवेशन। वन माइनस एक्स स्क्वायर का मैंने कोई स्टैंडर्ड सिंबल सब्स्टिट्यूशन बोला था सर, कॉस एक्स या फिर साइन एक्स, तो एक्स को अगर मैं कॉस से ले लूं, साइन भी ले सकते थे, तो y को मैं cos भी ले लेता हूं, तो नंबर वन तब कैसा दिखा, रूट ओवर ऑफ वन माइनस cos स्क्वायर a प्लस वन माइनस cos स्क्वायर b इक्वल टू a टाइम्स ऑफ cos a माइनस cos b। ठीक है, इनवर्स ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन का मतलब है, जो इनवर्स ट्रिगो में हमने सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन सिखा था वो इन्वर्सिटी को बाद में आता है, यहाँ पे वन माइनस कॉस स्क्वायर के बदले क्या लिख सकता हूँ, साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ क्या, कॉस ए माइनस कॉस बी, तो साइन ए प्लस साइन बी का कोई फॉर्मूला था, टू साइन ए प्लस बी बाय टू कॉस ए माइनस ए बाय टू कॉस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर रे, मैं फिर से कह रहा हूँ, हाँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पास्ट ईयर आया हुआ समय, ये सब कॉस ए माइनस कॉस बी माइनस टू साइन ए प्लस बी बाय टू और साइन ए माइनस बी बाय टू, क्या कुछ कैंसिल होगा, साइन ऑफ ए प्लस बी बाय टू, तो ये साइन तो क्या रह गया, कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस बी बाय टू इजिकल टू 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 भी कैंसिल हो गया तो माइनस ए, सर अभी डिफ्रेंशिएट करोगे नहीं, कॉट अगर इस साइड आएगा, कांस्टेंट को जितना बड़ा कर सकते हो बड़ा करो, सुनो कांस्टेंट को जितना बड़ा कर सकते हो बड़ा करो सर, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, तो इसलिए कांस्टेंट को जितना बड़ा कर सकते हो बड़ा करो, अब ए के बदले क्या लिख सकते हो, देखो ना कोई बोलेगा ए और बी के बदले क्या लिख सकते हो, cos इनवर्स x और cos इनवर्स y, तो हेंस ए के बदले हो गया मेरा cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y टू cot इनवर्स a फ्रॉम a, तो क्या फायदा अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन cot इनवर्स माइनस a होगा, cot इनवर्स माइनस a, थैंक्स, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस वन बाय रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स y का डिफरेंशिएशन क्या प्लस हो जाएगा या माइनस, वन माइनस वाई होने के कारण क्या आएगा, एक डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, जीरो, हेंस डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो गया, अगर ये इस साइड आ गया तो वन बाय रूट ओवर ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय रूट ओवर ऑफ वन माइनस, हेंस चार मार्क्स मिल गया, आया समझ में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब हॉट्स हैं, हाँ ये सब अगर तुम लोग एग्जामिनेशन में प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, अगर ये तुम नहीं करके जाओगे तो तुम बोलोगे सर आप रटने के लिए बोल रहे हो, हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न हर समय अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं बनाता है, हाँ लिखना है तो लिखो, और उसने भी लाइफ में कभी रटा होगा जब उसने क्लास वो 10 पास किया होगा, लिखो, ठीक है, देयर आर सम जिसे तुम्हें जानना होता है कि हाँ उसे ये करना होगा, तो ये याद रखना होगा, लंबा समय मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, बोलते जाओगे ऊपर लेते हुए निकल जाओ,
तो नीचे लेके जाएंगे। आगे चलूं? यस सर। यस सर। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 3। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है, इसीलिए कांस्टेंट को जितना बड़ा करना उतना बड़ा करो। मतलब कभी अगर आता है ये सम, इफ सेक एक्स प्लस वाई बाय एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए, प्रूफ दैट डीवाई बाय डीएक्स इज इक्वल टू वाई बाय एक्स सॉल्यूशन। अभी अगर डिफरेंशिएट करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मगर अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने देखा था इससे ऊपर वाले समय मैंने कुछ किया था। क्या किया था? x प्लस वाई बाय एक्स माइनस वाई को क्या लिख सकता हूँ? सेकंड इनवर्स ए। मगर सेकंड इनवर्स ए कांस्टेंट है तो इसे k मान लेता हूँ, कुछ भी मान सकते हो, k मान लेता हूँ, तो उससे ज्यादा छोटा हो जाएगा ना ये x प्लस वाई बाय एक्स माइनस वाई। अगर मेरे लिए k है और अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? के एक्स माइनस क्या? के वाई। तो x माइनस के एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस वाई माइनस के वाई। तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 माइनस के इज इक्वल टू माइनस y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 प्लस के। इससे क्या फायदा हुआ? x बाय y का वैल्यू क्या हो जाएगा? k प्लस 1 बाय k माइनस 1। अब देखो ये कितना अच्छा हो गया। अब अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो क्या अच्छा होगा? x बाय y का डिफ्रेंशिएशन u बाय v लगेगा, क्या आएगा नीचे? y स्क्वायर। y को छोड़ोगे x को डिफ्रेंशिएट करोगे माइनस x को डिफरेंशिएट, x को छोड़ोगे y को डिफरेंशिएट करोगे तो dy / dx। और इसका डिफरेंशिएशन क्या? ये तो कांस्टेंट है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो y - x * क्या? dy / dx का वैल्यू क्या? 0। तो दिस इंप्लाइज क्या? dy / dx का वैल्यू क्या आ गया बोलो? y / x। y / x का प्रूफ करना था, वही प्रूफ करना था, हो गया। देखो तो ये एक तरीका है। तो कांस्टेंट को, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है, इसे याद रखो। हां कहीं डाउट है तो पूछोगे रे, मैं बार बार लास्ट क्लास ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि लास्ट क्लास ठीक है, इनवर्स में मैं मानता हूँ, हाँ इनवर्स में मैं मानता हूँ कि इनवर्स के क्लास में थोड़ा, और मैं थोड़ा वेट भी कर रहा हूँ डिलीटेड सिलेबस का आने का एक बार। हाँ जैसे मैट्राइसेस लास्ट ईयर डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन था ही नहीं कोर्स में, डिटर्मिनेंट का जो एक्सपेंशन होता है हमारे स्कूल में करवा भी दिया है। हाँ सर, थोड़ा नीचे लेके जाएंगे।
सर ये डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब भी डीवाई बाय डीएक्स मिल रहा है तो एक्स कर आगे चलो यस सर चलो क्वेश्चन नंबर 4 एलिमिनेट द पैरामीटर कभी कभी ऐसा आता है डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे आंसर नहीं मिलेगा इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी प्लस 1/t एक्स टी पर वाई टी पर 4 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t² Prove that dy by dx is equal to 1 by x cube by solution. एक बार सम लिख लोगे 15 सेकेंड देता हूं चलूं आगे थोड़ा हल्ला हो तो मुझे चिंता नहीं है क्या इसके बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है क्योंकि ऊपर मैंने लिखी दिया एलिमिनेट द पैरामीटर क्या दिख रहा है कि तुम टी स्क्वायर प्लस 1/t² को क्या लिख सकते हो टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर मगर एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा -2 इज इट ओके तो अब मैं इसके बदले क्या डाल सकता हूं एक्स टी पावर 4 प्लस वाई टी पावर 4 क्योंकि ये थोड़ा आसान सा मैच है मैं चाहता हूं तुम लोग बोलो क्या कैंसिल उंसिल होगा अगर मैं ब्रेक करूं दिखने से लग रहा है यस सर हां सर तो अगर मैं ब्रेक करूं तो क्या मिलेगा एक्स टी पावर 4 प्लस वाई टी पावर 4 इक्वल टू एक्स टी पावर 4 प्लस समझ में आया ना पैरामीटर का मतलब क्या है पैरामीटर यहाँ पे क्या है पैरामीटर मतलब वो किस ये इक्वेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट है तो ये टी को हम पैरामीटर कहते हैं तो मुझे तो डीवाई बाय डीएक्स है ये तो टी क्या कर रहा है यहाँ पे तो टी को एलिमिनेट करो ये कैंसिल क्या आ गया तब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/x² या एक्स टू पावर -2 जो भी बोलो अब बोलो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा तब अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स एक्स टी पर -2 का डिफरेंशिएशन -3 क्या फायदा 2 कैंसिल क्या आया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना -1/x³ मैं ऊपर माइनस लिखना भूल गया था मेरे ख्याल में यहाँ एक -1 होना चाहिए करेक्ट कर लेना अरे किसी को कहीं कोई पूछ ही नहीं रहा है कुछ या तो मैं इतने अच्छे तरीके से समझा रहा हूं या तो तुम लोग मैं कह लो समझ रहे हो ना मैं जान रहा हूं मैं इतना ही बुरा नहीं समझाता हूं सर हां बोल माइनस क्यों है सर लाइन वर्ड बोल सर हां सर वो लाइन नंबर 2022 में सर सर हाउ द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स का हां 2022 पेज पे हां सर सर वो हम डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे तो वाई क्यों डिफरेंशियल हो गया सर वाई क्योंकि वाई एक्स का फंक्शन है ना वाई कांस्टेंट थोड़ी ना है तो इसीलिए तो ये डीवाई बाय डीएक्स रह रहा है ना ओ हो हो वाई वाई कांस्टेंट थोड़ी ना समझ में आया जब तुम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो वाई एक्स का एक फंक्शन है तो जब एक्स वेरी करेगा तो वाई वेरी करेगा यानी इसका मतलब क्या हुआ तुम एक्स को वेरी कर पा रहे हो तो जब एक्स जा रहा है तो वाई भी वेरी कर रहा है तो x के रेट ऑफ चेंज के ऊपर y का रेट ऑफ चेंज डिपेंड होगा तो इसीलिए जब भी करोगे तो तुम्हें एक dy / dx भी मिलेगा जब तुम x को डिफरेंशिएट करोगे तो आया समझ में हां सर
तो नीचे कर देंगे। चलूं आगे? हाँ सर। यस सर। इस टाइप का लास्ट। Instead of differentiating with respect to x, differentiate with respect to y. ये काम भी कर सकते हो, क्यों? क्योंकि अगर तुम dy by dx को reciprocal करोगे तो उसे तुम क्या लिख सकते हो, dx by क्या dy, ठीक है? तो ये possibility है। हाँ, तो जैसे problem hots में ही हूं अभी भी मैं। हाँ, if x sin a plus y if y is equal to x sin a plus y, prove that dy by dx equal to sin square a plus y sin a plus y minus y cos a plus y. लिखना है तो लिख लो, 30 seconds दे रहा हूं। सर हाँ बोल। हम लोग जानेंगे किसी से, मतलब यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है या फिर वाई करना है? बता रहा हूँ बताती क्यों। अभी तक जितना भी समय मैक्सिमम जगह क्या किया था तुमने? तो एक्स के रिस्पेक्ट में किया था। 99.99% टाइम में वही करना है। आया समझ में? ठीक है, 99.9% टाइम में उसमें तो आ रहा हूँ मैं। अब इस सब में तुम ध्यान से देखोगे, जो अभी उसने डाउट पूछा, सम में x ज्यादा है या y ज्यादा है? y ज्यादा है, मगर उससे भी कुछ नहीं पता चलता है। यहां ध्यान दो, क्या यहाँ पे x है? नहीं है। अगर आंसर में x नहीं है और अगर मैं x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा तब तो x होना चाहिए था, रहना चाहिए था x, नहीं क्या? यस सर। तो x गायब हो रहा है, तो जरा ध्यान से देखो, क्या तुम यहाँ पे y को x के टर्म में डाल सकते हो, हाँ या ना? y को x के टर्म में? यस सर। नहीं, y को x के टर्म में? नो सर। कैसे डालोगे? एक ये y है और एक y ये है, कौन से y को डालोगे? क्या y को x के टर्म में डाल सकते हो? नो सर। नहीं सर। क्या x को y के टर्म में डाल सकते हो? यस सर। हाँ सर। वही वही समझ में आया क्या पकड़ना है? आया समझ में? क्या वी कैन पुट एक्स किसके टर्म में? वाई इन टर्म्स ऑफ वाई। सेकंड, और एक चीज पकड़ना है, क्या यहाँ पे क्या एब्सेंट है? एक्स। एक्स इज एब्सेंट, और वो तभी होगा अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट अगर कर दूं। किसके रेस्पेक्ट में? मगर अभी मैंने ऊपर कुछ कहा था, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू क्या बोलो ना? वाई। तो अगर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? अरे y को जब डिफरेंशिएट करते थे तो dy by dx लिखते थे, तो x को जब तुम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा? थोड़ा बोलोगे तो अच्छा लगेगा, वरना तो हाँ dx by dy, और नीचे y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो u by v लगेगा, इसमें u by v लगने से नीचे क्या मिला?
तो यहाँ क्या मिला साइन ए प्लस वाई साइन ए प्लस वाई वाई का डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में बोलोगे माइनस वाई साइन ए प्लस वाई का डिफरेंशिएशन कॉस ए प्लस वाई कॉस ए प्लस वाई ए का डिफरेंशिएशन वन जीरो वाई का डिफरेंशिएशन वन नहीं चाहिए तो हेंस dx by dy is equal to sin a plus y minus cos a plus y divided by sin square a plus y. अगर reciprocal करूं तो अगर ये dx by dy है तो dy by dx क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा यही प्रूफ करना था नहीं देखो तो अगर तुम लोगों ने लिखा है तो हाँ सर यस सर cos a plus y प्रूफ आया समझ में अब ठीक है घबराते क्यों बताऊंगा तो सब कुछ क्यों लेना है कैसे लेना है कब लेना है कोशिश करूंगा बताने का असाइनमेंट सीट देने का कोशिश करूंगा उम्मीद एक ही है कि जितना ज्यादा सेंचुरियन के आसपास नंबर ला पाओ मैथ्स में मुझे अच्छा लगेगा उसी प्रोसेस से मैं इस साल को पढ़ाऊंगा तुम लोगों को मगर वो अब तुम्हारे ऊपर भी है कि तुम कितना मेहनत करोगे केवल मेरे ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है आगे चलूं Yes, sir. हाँ सर चलो अब एक्सरसाइज 5.4 में आता हूं देखा काफी टाइम लगा 5.3 में खत्म करने बाकी एक्सरसाइज छोटे छोटे एक्सरसाइज एक्सरसाइज 5.4 केवल कहता है कि वो ऑलरेडी तुम लोग को दे दिया गया है कि e to the power x का डिफरेंशिएशन क्या था e to the power x e to the power x का डिफरेंशिएशन क्या था e to the power x log e base a log e base a का डिफरेंशिएशन क्या था log e base x का डिफरेंशिएशन सॉरी log ln x का डिफरेंशिएशन 1 by x और अगर log कोई e नहीं देके कोई a दिया हुआ है तो तुम्हें 1 by x log a मतलब एक्चुअली में एक फार्मूला है लॉग का ठीक है एनसीईआरटी तुम्हें लॉग के कुछ फार्मूलास को याद रखने के लिए बोलता है जैसे इसे नंबर वन को कहते हैं हम लोग बेस चेंज फार्मूला मतलब अगर कभी भी तुम्हें लॉग ए बी दिया हो तो तुम उसे लॉग सी बी बाय लॉग सी ए लिख सकते हो तुम्हें यहाँ पे C का जरूरत ही नहीं पड़ेगा तुम्हें केवल एक ही चीज का जरूरत पड़ेगा E का क्योंकि डिफरेंशिएशन केवल E के रेस्पेक्ट में हो सकता है इसलिए तुम लोग क्या करोगे केवल E याद रखो तो चल जाएगा बोर्ड लेवल के लिए log E B by log E नंबर सेकंड log के साथ अगर दो नंबर मल्टीप्लाई होता है तो तुम उसे log A plus log B लिख सकते हो बेस सेम होना पड़ेगा हाँ बेस सेम होना पड़ेगा लॉग के साथ अगर डिवीजन होता है तो उसे लॉग सी ए माइनस लॉग सी बी लिख सकते हो और चौथा लॉग सी के साथ अगर कभी भी ए टू दी पावर एन देखते हो तो एन बाहर आ जाता है और ये लॉग सी ए होता है अगर ए पॉजिटिव है तो किसी को लिखना है तो लिख लो ये एक्सरसाइज 5.4 में वो तुम्हें इतना फॉर्मूला याद रखने के लिए बोलता है किसी को कहीं पे डाउट है तो बोलोगे
तो यहाँ पर सी कुछ भी हो सकता है ना सर? सी कुछ भी हो सकता है, वन को छोड़ के, बेस वन नहीं हो सकता है। ठीक है मगर तुम्हें पूरे बोर्ड लेवल में केवल ई का जरूरत होगा और किसी का नहीं। सर सर लाइन नंबर 7 में डी बाय डीएक्स लॉग बेस ए एक्स वो मतलब आंसर जो मतलब उसका निकला 1 बाय एक्स लॉग ए, लॉग ए क्या वो बेस क्या है? बेस जब कुछ भी नहीं दिया रहता है तो वो बेस ई होगा। ओके सर, कैलकुलस में अगर बेस कभी भी नहीं दिया रहेगा तो वो बेस ई होगा। सर बोल सर, लॉग का मतलब मतलब क्या होता है सर? बिकॉज मीनिंग क्या होता है सर लॉग देना? वो इनवर्स है एक्सपोनेंशियल का। अगर ए टू डी पावर एक्स बी है तो एक्स को तुम लिख सकते हो लॉग, ये इसका डेफिनेशन है। मतलब टू क्यूब का वैल्यू क्या होता है? 8। तो 3 को क्या लिख सकते हो? लॉग 8 बेस 2। यही डेफिनेशन है, आया समझ में? एक्सपोनेंशियल का इनवर्स है ये। इन्वर्टेबल फंक्शन तुमने पढ़ा है ना, एक्सपोनेंशियल का इनवर्स है। ए टू डी पावर एक्स अगर बी है तो एक्स आसमान में, उसे जमीन में लाने के लिए लॉग का जरूरत पड़ता है। आगे चलो, एंटी लॉग क्या होता है सर? अगर लॉग इस साइड, लॉग अगर इस साइड आ जाता है तो वो एंटी लॉग हो जाता है। अगर लॉग ए एक्स बी है तो लॉग अगर इस साइड आता है तो वो एंटी लॉग हो जाता है। ठीक है, मैथमेटिकली लॉग जो तुम लोग चीज तो एक ही है, मगर केमिस्ट्री में जो लॉग यूज करते हो, केमिस्ट्री में तुम टेबल्स देखते हो। मुझे यहाँ पे टेबल देखने का जरूरत नहीं है, मुझे लॉग के बस प्रॉपर्टी को लगाना है। आगे चलूं मैं? तो एक्सरसाइज 5.4 तुम्हें कहता है कि सपोज वाई का वैल्यू तुम्हारे पास दिया हुआ है, साइन लॉग का कोई बेस नहीं है तो लॉग ई है। हाँ, साइन लॉग, और यहाँ पे सपोज दे दिया है तुम्हें रूट एक्स, और फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तुम बोलोगे सर बोर कर रहे हो, चेन रूल है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ। तो डी वाई बाई डी एक्स लगाओ, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस ऑफ log root x। अब log का डिफरेंशिएशन 1 by root x। अब root x का डिफरेंशिएशन 1 by 2 root x। y सपोज e to the power sin inverse x है, तब dy by dx का वैल्यू e का डिफरेंशिएशन e to the power sin inverse x sin inverse x। और अब sin inverse x का डिफरेंशिएशन 1 by root। ये वाला हम लोगों ने किया हुआ है, ठीक है? इसलिए मैं उस एक्सरसाइज में काफी मैं टाइम ले रहा था, क्योंकि एक्सरसाइज 5.4 में यही है, खत्म। बस इसी को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है? 5.4 में तुम्हें कुछ सीखना नहीं है, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। 10 सम में सब यही है। हाँ, अब ध्यान दो। हाँ, चलूं आगे? हाँ सर। एक्सरसाइज 5.5 लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। मुझे मैं दोबारा फॉर्मूला लिखा रहा हूं, ठीक है? लॉग ए टू डी पावर बी का फॉर्मूला देखो क्या है, बी बाहर आ जाता है नंबर 1। लॉग ए बी का फॉर्मूला लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए बाय बी का फॉर्मूला
log a minus log a minus log और डेफिनेशन अगर जिसने पूछा था a टू द पावर x भी तो x का वैल्यू क्या था सर log a b log b बेसिक तो ये तुम लोगों ने लिखा है तुम लोग ठीक है मगर अभी मुझे जरूरत पड़ेगा इसलिए मैंने ये लिखवा दिया तो जैसे अगर मैं तुमसे पूछता हूँ प्रॉब्लम कभी तुमसे पूछेगा फाइंड dy by dx if y is equal to root over of x minus 1 x minus 2 by x plus 1 x plus 2 normally logarithmic differentiation तब यूज होता है दो बार यूज होता है इस वाले में बोल रहा हूं जब चीजों का केवल मल्टीप्लीकेशन या डिविजन हो जो यहां पे हो रहा है ऐसे में क्या करोगे दोनों साइड लॉग ले लोगे तो लॉग ई बेस वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू बाय एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू होल टू दी पावर हाफ ये वन बाय टू क्या बाहर आ जाएगा यस सर लॉग ई वाई इज इक्वल टू वन बाय टू ऑफ लॉग ऑफ लॉग ऑफ ए बाय बी का क्या फॉर्मूला था log a माइनस log ये है ना ये a हो गया ये b हो गया तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या लगेगा बार बार ये नहीं लिखता हूं हाफ log x माइनस वन x माइनस टू माइनस log x प्लस वन x प्लस टू देखो log टॉपिक खत्म करने में मुझे तीन क्लास लगता है ठीक है सर लॉग का इंपॉर्टेंस मुझे पहले समझ में नहीं आने से मैं ये सम सॉल्व नहीं कर पाऊंगा तो मेरे ख्याल में ये सम तुम नहीं कर पाओगे मैं पहले ही बोल देता हूं क्योंकि वो तीन क्लास किसी को लॉग देखने का मन है मेरा क्लास इलेवेंथ वाले वीडियोस में जाके देखो लॉग डिटेल में समझाया गया मैं तुम्हें यहाँ पे केवल लॉग का प्रॉपर्टी चाहिए बोर्ड लेवल में तो चार पांच को प्रॉपर्टी याद रख लो डिफ्रेंसिएशन को एकदम डिटेल में समझो लॉग को डिटेल में समझने का जरूरत अभी नहीं है ठीक है खासकर अगर तुम लोग एंट्रेंस का तैयारी अभी नहीं कर रहे हो तो क्योंकि बस तुम्हें ये बोर्ड में केवल यही प्रॉपर्टी चाहिए जैसे क्या आप इसमें कोई फॉर्मूला लगेगा ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ आर्गुमेंट है कोई फॉर्मूला था लॉग ए प्लस लॉग बी एक पेज में एनसीईआरटी ने लॉग को खत्म किया जो हो ही नहीं सकता है इस वाले में तब क्या हो जाएगा log x प्लस वन प्लस log x प्लस टू प्रॉपर्टीज याद रखना है मैं फिर से बार बार कह रहा हूं और ये सम थोड़े लंबे भी होते हैं तो log ई वाई क्या आ गया तब वन बाय टू ऑफ क्या लिख सकते हो इसे log x माइनस वन log x माइनस टू माइनस log x प्लस वन माइनस लॉग एक्स प्लस टू अब अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो क्या होगा कोई बोलेगा डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन बोलते जाओ लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन वही कह रहा हूँ नहीं सर लॉग समझ लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन नहीं पता होगा बेकार लॉजिक है मैं नहीं मानता हूं वन बाय टू log x माइनस वन का डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स माइनस वन वन बाय एक्स माइनस वन log x माइनस टू का डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स माइनस वन बाय log x प्लस वन का डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स प्लस वन तुम बोलोगे सर कौन सा इसने छोटा किया यार तब भी थोड़ा सा छोटा किया ऐसा नहीं बोल सकते हो इसे एलसीएम लेने का जरूरत नहीं यहीं पे छोड़ देना y को इधर लेके आ जाना ठीक है किसी को लिखना है तो लिख लो फिर आगे चलूंगा ओ टॉपिक नहीं लिखा है ये लॉगमेटिक और ये फॉर्मूला लिखना है तो लिख लो फिर से लिखना है तो लिख लो केवल यही एक दो तीन चार अभी केवल यही जानना है और नहीं जानना है और एक चीज जानना है जरूरत पड़ सकता है कभी लॉग ई का वैल्यू वन होता है लॉग ई वन का वैल्यू जीरो होता है ठीक है ये दो भी जान लो
तो नीचे ले जाएंगे टाइमर देना भूल गया था दे रहा हूँ 45 सेकंड टाइम सर बोलते जा सुन रहा सर सर ये कैसे समझेंगे कि बोथ साइड लॉक कब लेना है वही तो मैंने कहा ना जब चीजें का चीजें जब इस टाइप से हो जस्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्योंकि तुम्हारे पास जो लॉक का जो डेफिनेशन है वो केवल कब है जब या तो मल्टीप्लीकेशन लॉक का प्रॉपर्टी कब लग रहा है जब या तो मल्टीप्लीकेशन है नहीं तो क्या है बोलो डिवीजन तो केवल जब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन होता है तभी लगता है ठीक है मतलब और भी तरीका मैं बताते आऊंगा मैं और भी आऊंगा पर अभी आगे चलूं तो मतलब जैसे अगर ये सम है यहां लॉग लेके फायदा नहीं आ जाता तब भी थोड़ा सा डिवीजन है तो रूट ओवर है तो थोड़ा सा तो कम करेगा मगर जैसे मैं ये बोल देता हूं यहां पे जैसे एडिशन है यहां पे लॉग लेके फायदा नहीं आया समझ में हाँ सर तो लॉग नॉर्मली तभी लिया जाता है जब चीजों का मल्टीप्लिकेशन होता है मतलब नॉर्मली मैं लॉग तब प्रिफर करता हूं जब इफ टर्म्स आर आइदर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड जैसे मैं तुमसे पूछूं कि फाइंड डी इफ वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस ट्वाइस एक्स इंटू कॉस थ्राइस एक्स फाइंड डी वाई बाई डी एक्स तो क्या बोलोगे चीजें केवल क्या है क्योंकि चीजें केवल मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या कर सकते हो मैंने क्या बोला दोनों साइड में क्या लोगे लॉग अगर आप दोनों साइड में लॉग लोगे तो लॉग वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा ऐड होगा या नहीं सब सर आया समझ में लॉग ए बी अगर फॉर्मूला था तो लॉग एबीसी का फॉर्मूला क्या होगा अब डिफरेंशिएट कर रहा हूं बोलो क्या होगा log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy/dx log cos x का डिफरेंशिएशन 1/cos x into minus sin x अब 1/log cos twice x है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/cos twice x minus sin twice x into अगर twice x होने के कारण एक log cos थ्राइस एक्स बाकी लोग नहीं बोल रहे हो 1/cos थ्राइस एक्स माइनस साइन थ्राइस एक्स इनटू 3 चलो लिखना है तो लिख लो बाकी लोग नहीं बोल रहे हो कुछ ओ सर log नहीं समझ में ऐसा log को पूरा समझना है इसलिए क्या समझते रहो चार को प्रॉपर्टी है याद रख लो बेटर जब चीजें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में होता है तब लॉग लगता है पर तब सर आपने जो दिया था सर ऊपर वो वाला एग्जांपल सर उसमें तब क्यों नहीं होगा सर नहीं उसमें भी लगा सकते हो मगर लगा के फायदा नहीं है क्योंकि उसमें डिवीजन है तो लगा सकते हो मगर उससे ज्यादा और रिड्यूस नहीं होगा समझ में आया ठीक है सर
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं लगा सकते हो, ए बाय बी के लिए लगा सकते हो, मगर आगे चलूं? यस सर। और एक टाइप है जहां पे लॉग लगता है, अगर y में नीचे f ऑफ x है और ऊपर g ऑफ x है, तब हमारे पास डिफरेंशिएशन का कोई फॉर्मूला नहीं है। ऐसे का एल्गोरिथम ही है कि टेक लॉग। तुम बोलोगे सर समझ में नहीं आया, बता रहा हूं। फाइंड dy बाय dx। देखो सबसे पहले डिफरेंशिएशन के लिए ये समझो कि डिफरेंशिएशन जो टॉपिक है ना रे, ये कोई कॉन्सेप्चुअल टॉपिक नहीं है। डिफरेंशिएशन एक टूल होता है, फिजिक्स में, इकोनॉमिक्स में, सब जगह लगता है, रेट ऑफ चेंज निकालने में, इकोनॉमिक्स में भी सर। तो वो टूल है एक, हाँ, कि कैसे चीजों को तुम्हें अलग अलग चीजें मिल सकता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को ग्रोथ का रेट ऑफ चेंज कैसे निकालोगे, लीनियर ग्रोथ ऑफ कैसे निकालोगे रेट ऑफ चेंज, तो वो वाला मैथमेटिकल मॉडलिंग करने से। तो तुम्हें यहाँ पे केवल इसलिए dy बाय dx निकालने के कुछ तरीका तुम्हें सिखाया गया एनसीईआरटी में, ताकि जब तुम किसी भी स्ट्रीम में जाओ तो लेटर ऑन तुम डिफरेंशिएट करने में तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। जैसे इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि नीचे भी वेरिएबल है ऊपर भी वेरिएबल है, तो ऐसे में मैंने कुछ कहा था दोनों साइड में। अभी मैंने कहा क्या करो, क्या करोगे, टेक लॉग। तो लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, वन क्या दिखेगा, log y is equal to log of क्या क्या कोई प्रॉपर्टी था इस x के लिए, मैंने अभी कुछ लिखाया था log a to the power b x log x। इतना शांति हो गया है ना कि पूछो मत, हाँ मतलब बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ एटलीस्ट पता तो चले कि कोई समझ रहा है या नहीं। हाँ एक दो बंदे को बोल के लास्ट से ज्यादा हल्ला, लास्ट क्लास में ज्यादा हल्ला हो रहा था, तो इसलिए मैंने एंट्रेंस बैच में इन जनरल सबको बोला ही नहीं कि क्लास हो रहा है आज। मगर आप फायदा क्या हुआ यहाँ पे, फिर वही दो दो बच्चा एंट्रेंस बैच का है वही बकरा है, बाकी लोग चुपचाप बैठे हुए। log y is equal to x log sin x, मतलब बोलो ना यार कि सर x बाहर आ जाएगा, तो सुन के अच्छा लगेगा ना। log y is equal to x into log sin x। अब अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो log y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ऐसा लग रहा है जैसे log y का डिफ्रेंशिएशन बताया नहीं अभी। So 1 by y, dy, dx. हाँ, तो बोलोगे ना, तो बोलोगे तो अच्छा लगता है, क्योंकि एटलीस्ट पता तो चले हाँ कुछ सिखाया इससे पहले। हाँ एंड मैं जानता हूँ कि 28 में से दो हटा दो मैं हूँ, तो 26 में से मुझे मालूम है कि 15 बंजे नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ तो बाकी लोग जो पढ़ रहे हैं वो तो बोले, बाकी बात जो पढ़ रहे हैं, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो लोग तो TBS भी सबमिट नहीं कर रहे हैं, कुछ भी सबमिट नहीं कर रहे हैं। उनके उनके लिए कोई सब कुछ मतलब सही सही है। हाँ गवर्नमेंट को एक स्कीम निकाल के देगा कि हाँ सब बच्चों को पास कर दो, मार्क्स दे दो, वही वही वाले में, हाँ उसी के ऊपर आधारित। और नहीं पढ़ते पढ़ते ब्रेन का न्यूरॉन्स ऐसा खत्म हो चुका है कि अब पढ़ने का पॉसिबिलिटी भी नहीं है मुझे लग रहा है। वन बाय बाय डी बाय डी एक्स, मगर अगर TBS सबमिट नहीं कर रहे हो तो और मैं क्या बोलूंगा। हाँ एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन लॉग साइन एक्स प्लस x into log sin x का differentiation, so 1 by sin x, 1 by sin x plus 1 by sin x, साथ में कुछ और भी हो sir, cos x into cos x, तो खेला खत्म। थैंक्स। हाँ हल्ला करने के बाद देखो बच्चा बोलना शुरू करता है, y times of, समझ में आया। देखो मैं तुम लोगों का फेस नहीं देख रहा हूँ, ठीक है, और कल लास्ट क्लास में ज्यादा हल्ला हुआ था, इसलिए मैंने इसलिए दो तीन बंदे एंट्रेंस वाले लोगों ने मुझे पूछा तो मैंने भेजा, बहुत बंदे भी हो गए थे, ठीक है, इसलिए तो इसलिए आज मैंने बोला भी नहीं उन लोगों को, यही क्लास है, उनके भी बैच में तो करवाऊंगा, तो इसलिए हाँ तो लिखना है तो लिखो इसे। हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ इंटरेक्ट करो। हाँ मैं जानता हूँ सर लॉग एकदम अच्छे से नहीं पढ़ा, अरे जरूरत नहीं है बोर्ड लेवल में पढ़ने का, तो क्यों पढ़ोगे अभी यार, ठीक है, जो जिस चीज का जरूरत नहीं है वो, जो जरूरत है वो करो तो, हाँ उसी को सफिशिएंट करो ना। लॉग एक टूल है एक्सपोनेंशियल सीरीज को लीनियर बनाने के लिए, ए टू डी पावर एक्स, एक्स इज इक्वल टू लॉग ए, थोड़ा लीनियर जैसा हो जाता है, डील करना थोड़ा आसान हो जाता है, वरना एक्सपोनेंशियल से डील करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। लिखना है तो लिख लो।
आगे चलूं? यस सर। सॉरी एक मिनट सर। थोड़ा सा बस थोड़ा सा बोलने से क्या होता है ना कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। चलूं आगे? हाँ सर। चलो तो फाइंड डीवाई बाय डीएक्स इफ वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स टू डी पावर लॉग एक्स। फिर से वही करोगे सॉल्यूशन। अगर y का वैल्यू log x टू पावर log x है तो दोनों साइड क्या लोगे? log log तो log y is equal to क्या हो जाएगा? log of log x टू पावर log x। तो ये पावर का क्या बन जाता है? कोफिशिएंट बन जाता है, बनता है। तो log y is equal to क्या सर? log x into log log into log of log x। यहाँ पे दो फंक्शन है रे, एक ये पर्पल वाला और एक ये येलो वाला। अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डिफरेंशिएशन 1/y/dy/dx। गुड, मुझे अच्छा लगा सुन के। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x/1/x लॉग ऑफ लॉग एक्स। लॉग ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/log(x)(1/x) आगे आगे तो हो जाएगा। वाई को उस साइड लेके चले जाओ, लिखना है तो लिखना। आया समझ में? किसी को डाउट है तो पूछेगा रे। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं देखो क्लास में हर टाइप के बंदे होते हैं। मैं जानता हूं कुछ ऐसे बंदे होंगे जिनको ये सब में ही समझ में आ गया होगा जब मैंने ये सम करवाया था, ठीक है। मगर कुछ ऐसे बंदे होंगे जिसको यहाँ पे डाउट होगा तो और एक सम मैंने कराया। किसी को यहाँ पे भी डाउट हो सकता है, मैं उसे बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। दो सम मैंने करवाया है इसीलिए। हाँ और कुछ डाउट है तो पूछो मुझसे, मगर एटलीस्ट मुझे ये भी तो बताओ ना कि क्लास में वो भी बंदे हैं जो पहली बार भी समझ जा रहे हैं। स्लो लर्निंग में प्रॉब्लम नहीं है कि किसी को दो सम नहीं चार सम का जरूरत पड़ता है, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। मगर पता तो चले कि हाँ क्लास में ऐसे भी स्टूडेंट है जो एक बार में समझने में आ रहा है, वो भी स्टूडेंट जो दो बार में समझ में आ रहा है, पता तो चले मुझे। हाँ आगे चलूं? थोड़ा रुकिए सर। सर इसमें सर लास्ट में 1/x भी आएगा सर? हाँ आएगा, एक log x। ये log x log 1/x। आगे चलूं? सर लास्ट में 1/x क्यों है? क्यों log log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बोल? सर log ये log का डिफरेंशिएशन? सर log x मतलब नीचे आ जाएगा। ये 1/log(x) फिर ये log x का डिफरेंशिएशन? सर x 1/ मतलब वो 1/x बन जाएगा। अच्छा समझ में आया? हाँ सर। चेन रूल में ना ये वाला पार्ट है ना, ये तो दो बार है इसलिए। आगे चलूं? ठीक है। अब इसी में और एक टाइप आता है, फाइंड डीवाई बाय डीएक्स इफ एक्स टू पावर साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स टू दी पावर एक्स। चिंता नहीं है, वो दत्त तरीका है, कहीं पे तो वाई होना पड़ेगा। इफ साइन एक्स टू दी पावर वाई इज इक्वल टू वाई टू दी पावर कॉस एक्स, ऐसा तो बोलो ना। नहीं बताया तब भी बोलो ना, क्या करूंगा दोनों साइड में? पता तो चल चुका है ना? लॉग पता चल चुका है? नहीं देखो, जब तक ये एक्सपोनेंट में है तब तक तुम इसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। लॉग लगाने से फायदा क्या होता है? लॉग लगाने से ये डिनोमिनेटर में आ जाता है और यूवी का रूल लग जाता है, होता है या नहीं ये फायदा?
तो इस चीज को समझो, जब तक ये ऊपर है तुम्हें कुछ नहीं कर सकते हो, मगर जैसे मैं log y cos x लगाऊंगा तो cos x नीचे आ जाएगा, तो ये u into v में डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो अगर मैं दोनों साइड में log लगाऊं तो क्या हो जाएगा, log of x to the power y sin x to the power y is equal to log of y to the power cos x। तो अगर ये y बाहर आ गया तो so y log sin x y log sin is equal to, ये बाहर आ गया तो cos x log y। अब अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करूं तो लंबा डिफरेंशिएशन होगा, मुझे मालूम है। यहां पे अगर u v लगाऊं तो क्या बनेगा, y का डिफरेंशिएशन dy by dx plus y, अब log का डिफरेंशिएशन तो 1 by sin x into 1 cos x sin x, अब cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x माइनस sin x, और log y का डिफरेंशिएशन 1 by y into dy by dx। थोड़ा सजा के लिख लोगे या नहीं? हाँ सर, वो तो सजा के लिख लोगे ना, dy by dx कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, log of sin x माइनस कितना cos x by y is equal to कितना माइनस y into ये वाला माइनस y into cot x माइनस sin x into log y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, खेला करता हूँ, लिखना है तो लिख लो फिर आगे चलो। आगे चलूं? यस सर। सर वो नीचे क्या लिखा है सर? सर थोड़ा रुकिए। हाँ कौन सा बोलो? सर लाइन नंबर 16 जैसे कॉस। कॉस एक्स बाय वाई, ये वाला ये टर्म। वाई अच्छे से लिखा नहीं मैंने, आया समझ में? हाँ सर। अरे कॉमन ले लिया, कुछ नहीं। सर स्टेप नंबर 13 तो सर समझ में है सर। सर स्टेप नंबर 13 का आपका ऑडियो नहीं है। हाँ सर। तो सुनना सुनना, बता रहा हूँ। वाई का डिफरेंशिएशन। हाँ सर। डीवाई बाय डीएक्स लॉग साइन एक्स। लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। सर। सर वन बाय साइन इनटू कॉस एक्स। आया समझ में? चेन रूल लग रहा है। हाँ सर। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स लॉग वाई। लॉग वाई का डिफरेंशिएशन। वन बाय वाई इंटू कितना? वन बाय वाई। डीवाई बाय डीएक्स। डीवाई बाय डीएक्स। हाँ सर सुनिए फ्रेंड्स। आगे चलूं? यस सर। हाँ सर। अब देखो, देयर इज नो फॉर्मूला फॉर लॉग ए प्लस बी। किसी को डाउट? लॉग ए बी का फॉर्मूला है, लॉग ए प्लस बी का कोई फॉर्मूला नहीं है, लॉग ए प्लस लॉग बी का फॉर्मूला है। तो अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कभी फाइन डीवाई बाय डीएक्स if y is equal to x to the power x plus x square minus 1, तो अब तो बड़ा भयानक चीज हो गया, log लेके फायदा नहीं होगा, क्योंकि log के अंदर plus minus आ जाएगा। तो ऐसे सम को सॉल्व करने का क्या ट्रिक है? ये एक ट्रिक है रे, देखो क्या ट्रिक है। y का वैल्यू है x to the power x plus x square minus 1, एक को u ले लो और एक को v ले लो। तो u किसको लिया? तो तुम्हें निकालना क्या है? तुम्हें निकालना dy by dx है। तो dy by dx अगर मैं यहां पे डिफरेंशिएट कर दूं विथ रेस्पेक्ट टू x, इसे अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो मुझे क्या मिलेगा? डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x,
dy by dx, तो u क्या देगा? u by dx. U by dx. समझ में आ रहा है नहीं, क्योंकि u भी तो x का फंक्शन है. v क्या देगा? dv by dx. तो अब तुम्हें du by dx और dv by dx निकालना है. u का वैल्यू क्या है यहाँ पे? x to the power x. x to the power x. अब उसे निकालो. Now. U is equal to, इसे कैसे निकालोगे तब? इसे निकालने के लिए अभी कुछ बताया था? Log. 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 Log U is equal to क्या हो जाएगा? Log? X to the power x. X to the power x. ये x बाहर आके क्या हो जाएगा? X log x. X log x. अगर अब मैं differentiate करूँ तो log U का differentiation? 1 by U. So 1 by U. साथ में कुछ? DU by DX. x log x का differentiation 1 by x plus x का log x into 1 into log log x. इससे फायदा ये आया कि तुम्हें du by dx का वैल्यू पता चल गया कितना. अब u तुमने इंट्रोड्यूस किया है तो u का वैल्यू डालना होगा. x to the power x 1 plus log x make it number 2. also v का वैल्यू क्या था देखने दो. x square minus 1. x square minus 1. तो dv by dx क्या हो जाएगा? Twice x. तो 1 क्या था? dy by dx क्या था? du by dx plus क्या? dv by dx. du by dx के बदले क्या लिख सकते हो? x to the power x, one x, plus x, one plus x. Log x. आया रे समझ में? Plus twice. Yes sir. क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं है तो ऐसे के लिए तुम्हारे पास और कोई तरीका ही नहीं है. तुम अलग अलग दो फंक्शन सेपरेट यू एंड वी बस ये इसका एल्गोरिथम. किसी को लिखना है तो लिख लो, डाउट है तो पूछो. सर नीचे दीजिए. आगे चलो. नहीं सर नहीं. ठीक है तो सीबीएसई सेवा कुछ ना कुछ तो कैंसिलेशन होगा तुम लोग के भी कोर्स में. हाँ पार्ट टू शुरू होते होते समझ में आ जाएगा हम लोगों को मैंने ख्याल. क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि और एक महीना तो ऐसा चलेगा ही. एक महीना मतलब कहना तो मुश्किल ही है. हाँ मुझे तो जब से कोरोना हो गया मैं खुद ही डरने लगा हूँ रे क्लास क्लास में. सर पर वैक्सीनेशन होने से शायद स्कूल खुल देंगे सर. वैक्सीनेशन होना इतना आसान है क्या? हाँ 45 प्लस वालों को ही देख रहा हूँ कि फर्स्ट मिला तो सेकंड डोज नहीं मिला, सेकंड मिला तो फर्स्ट नहीं मिला. इसलिए तो जितना कहना आसान है उतना करना आसान है. और ये वैक्सीनेशन अगर खत्म करना है तो फिर गवर्नमेंट जो कह रहा है बाय दिसंबर वैक्सीनेशन खत्म होता है तो इसका मतलब है दिसंबर के बाद. टीबीएस करो रे प्लीज मैं कह रहा हूँ टीबीएस करो. हाँ मैं फिर से कह रहा हूँ. ठीक है मतलब मैं लास्ट ईयर और इस साल में बस मेरे पास यही अंतर है कि इस साल मैं टीबीएस दे रहा हूँ तो इसलिए मैं सेटिस्फाइड हूँ.
तो मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैं कर पढ़ाने के बाद मैं बंदों को सीख दे रहा हूँ, एक एक करके देखो तुम उतना चीज सीख पा रहे हो या नहीं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो लोग टीबीएस कर रहे हैं, अगर पूछूं तो क्या बोलोगे, हाँ ही बोलोगे, फायदा हो रहा होगा मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोगों को। हाँ, लास्ट ईयर यही चीज नहीं था, एक बड़ा सा असाइनमेंट सीट दे देता था, कोई लोग करता था कोई नहीं करता था। टीबीएस में एक लिमिटेड सम होता है, एटलीस्ट पता चलता है कि हाँ मुझे ये चीज, जैसे मुझे भी आज पता चला ना, देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मैंने तुम लोगों ने डाउट पूछा, मैंने स्कैन किया, मुझे समझ में आ गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बंदे लोगों को डाउट हो रहा है, तो इसलिए मैंने पहला एक घंटा केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का लिया। तो मेरे लिए भी बेटर हो जाता है कि लास्ट क्लास में मैं क्या अच्छे से नहीं पढ़ा पाया हूँ, मुझे समझ में आ जाता है। ठीक है, ये टॉपिक नहीं था, ये टॉपिक मैंने अच्छे से पढ़ाया, अब इसे दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि तुम्हें लॉग बस प्रॉपर्टी का जरूरत है, तुम्हें नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक लॉग इक्वेशन सॉल्व करना वो नहीं बताया जा रहा, उसका जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लॉग एज अ प्रॉपर्टी का जरूरत है, जैसे फिजिक्स में कभी कभी तुम कोई सीरीज पढ़ते होगे, हाँ ये सीरीज के कारण ये होता है, या क्लास इलेवेंथ में तुम लोगों ने डिफ्रेंसिएशन कभी पढ़ा होगा या इंटीग्रेशन पढ़ा होगा बिना चीजें को जाने हुए, तो लॉग वैसा ही तुम्हें अभी जानना है, लॉग के अंदर घुसने का भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चल रहा हूं। तो अगर अब मैं तुम्हें कभी बोलता हूं कि फाइंड dy बाय dx, इफ y इक्वल टू x टू द पावर sin x प्लस tan x टू द पावर x, तो क्या करूंगा बोलना, u प्लस v, समझ में आया, सेम सम है या नहीं, इससे पहले वाला सेम है या नहीं, log sin x प्लस tan x टू द पावर x, लॉग लेके फायदा नहीं है क्योंकि लॉग ए प्लस बी का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो क्या करोगे, वाई को क्या ले लोगे, अगर वाई यू प्लस बी है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। अब इसे नंबर वन ले लेता हूं, अब मैं क्या करूंगा, वही यही है, तो मुझे अच्छा लगता है जब अलग अलग वॉइस आता है, एक सिंगल वॉइस, दो दो तीन बंदे का वॉइस आता है, बड़ा अजीब लगता है, अलग अलग वॉइस आता है, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, मुझे भी तो मोटिवेशन का जरूरत है, वो पेट्रोल है मेरे लिए तुम लोगों का वॉइस, डी यू बाई डी एक्स। Now, u का वैल्यू क्या है, x रिवर्स sin x, तो du by dx निकालने के लिए क्या करूं, log डायरेक्टली लिख रहा हूं, log u में sin x बाहर आगे क्या हो जाएगा, sin x log x, डायरेक्टली तो डिफरेंशिएट करो, क्या मिला, 1 by u by u log u by du by dx, गुड, sin x तो 1 by x, 1 by x, cos x log x, log x इसका वैल्यू आ जाएगा, बोलो du by du by du by du क्या आ जाएगा, अरे ये u के बदले ये, समझ में आया, डाउट है तो एक बार लिख ही लेता हूँ, इतना सुंदर तरीके से किया, ये u यहाँ आ जाएगा, u का वैल्यू डाल देना, वो तो जानते ही हो, छोड़ दो, सिमिलरली किसका वैल्यू निकालोगे आप, इंटरेस्टेड नहीं है यार, सेम चीज कितने बार करूंगा, किसी को लिखना है तो लिखो, अगर तीन होता तो यू वी डब्ल्यू ले लेते, तीन वाला नॉर्मली आता नहीं है, बट ठीक है। करो, पढ़ो, हाँ समझ में आ गया, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उन्हें भी बोल रहा हूं, टीबीएस को सबमिट करने का एक हैबिट बनाओ, ठीक है, कि मिनिमम, मतलब एक मिनिमम, मैं टीबीएस से ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत बड़ा बात हो जाएगा, हाँ मगर एटलीस्ट वो जो मिनिमम गारंटी स्कीम होता है कि हाँ ये टॉपिक तुम्हें एटलीस्ट समझ में आया है, जितना मैंने समझाया उतना तुम्हें समझ में आया है, ये अपने में एक बड़ी बात है कि हाँ एटलीस्ट उतना तो जानते हो, अब मेरे लिए भी अच्छा है कि हाँ उतना चीज तुम जान रहे हो, मेरे लिए मेरे कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है कि हाँ मैं अपने स्टूडेंट्स को जब पढ़ा रहा हूं तो दे नो इट, बहाना के लिए तो बहाना बहुत ही रहता है, सर स्कूल का प्रैक्टिकल होता है, सात दिन में तुम अगर इतना टाइम नहीं निकाल पाते हो कि मेरा असाइनमेंट सीख कर पाते हो, मुझे नहीं लगता है कि वो, मैं नहीं, मुझे मालूम है बोर्ड में हो सकता है बाद में परसेंटेज कईयों का आ जाए, मगर इस बार ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, इस बार कईयों का
वो ऑफलाइन वाला बात अलग होता है कि बच्चा कभी नहीं पढ़ता है और मार्क्स ले आता है, मगर ऑनलाइन में यार मुझे ऐसा फील होता है कि अगर तुम पहले से मेहनत नहीं कर रहे हो तो बाद में भी नहीं करोगे, क्योंकि अगर नहीं मेहनत कर रहे हो तो तुम्हारे पास एक हैबिट है कि तुम अभी तुम मतलब बैठे बैठे तुम मोबाइल यूज कर रहे हो, मतलब तुम यहाँ पे हो मगर तुम क्लास अगर कर रहे हो मगर तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि तुम वहां पे नहीं हो जहां पे तुम्हें रहना चाहिए, लॉस्ट अबाउट। और लॉस्ट अबाउट एक ऐसा हैबिट है, जब वो एक बार हो जाता है तो फिर वो हर जगह होने लगेगा। वांडरिंग माइंड जो होता है ना, दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ द डिप्रेस्ड माइंड। ठीक है, जब दिमाग घूमने ज्यादा लगता है ना, जो जब काम कर रहे हो वो नहीं करके कोई दूसरा काम करना लगते हो ना, तो वो डिप्रेशन का शुरुआत होता है। कोई भी बंदा डिप्रेस इसीलिए होता है क्योंकि वो जो काम कर रहा होता है उस वक्त वो कुछ और भी चीज सोच रहा होता है। दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ द डिप्रेशन। दैट पॉइंट इज द स्टार्टिंग ऑफ द डिप्रेशन। मानवेंद्र बोरा। यस सर। विशाल कलिता। दीप्ताक्षी भट्टा। प्रेजेंट सर। चक्की। प्रेजेंट सर। अभिनव गांगुली। प्रेजेंट सर। भार्गव प्रतिम खाउन। उसके कोई गुजर गए, सॉरी। अख्तर अक्जर एन रहमान। प्रेजेंट सर। हृदयगम कश्यप। प्रेजेंट सर। चंद्रिका मल्लिका मुरई। चंद्रा। प्रेजेंट सर। देवोलीना। प्रेजेंट सर। भास्कर। प्रेजेंट सर। इरफान। प्रेजेंट सर। गौरी। प्रेजेंट सर। नम्रता। प्रेजेंट सर। विद्युत। प्रेजेंट सर। जुबली। जुबली हाथ उठाने से भी होगा अगर नेटवर्क नहीं है तो। रंजीत। प्रेजेंट सर। रुचिता। उद्यत्यवा देव। प्रेजेंट सर। दिशा। प्रेजेंट सर। रागिनी। चंदना। प्रेजेंट सर। नवदीप। प्रतीक्षा। प्रेजेंट सर। देवप्रीतम। प्रेजेंट सर। अंगिम। प्रेजेंट सर। अर्चित। चलो आगे चल रहा हूं। चलो अब प्रॉब्लम। फाइंड dy बाय dx इफ y इज इक्वल टू x का पावर x है और एक x है, पावर में है। चल शुरू हो जा। क्या करें? लॉग लेंगे सर, x log x to the power x। बाहर क्या आएगा? x to the power x आएगा। ये बेस है रे, बाकी सब पावर है, बाकी सब पावर है और पावर बाहर आता है। मतलब log y का वैल्यू क्या हो गया? x to the power x log x। मगर अब क्या करें बताता हूं। अब ये भी तो एक वही हो गया ना रे, लॉग लेना होगा, तो इसलिए अभी ऊपर वाले में मैंने कुछ कहा था, इसे कुछ बना सकते हो। क्या ले सकते हो? टेक यू। आया समझ में ना? क्योंकि तब लॉग वाई का वैल्यू क्या लिख सकते हो? यू इंटू कितना? लॉग एक्स। और अगर डिफ्रेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा? वन बाय वाई यू एक्स।
du by dx log x plus u, log x का differentiation. अब du by dx कैसे निकालूं? तुम बोलोगे सर क्यों बोर कर रहे हो, अभी तो आपने बताया था u को आप क्या ले सकते हो, x to the power x, तो log u का वैल्यू क्या हो जाएगा? x log x. अगर मैं differentiate करूं तो क्या मिलेगा, 1 by u into कितना? du by dx is equal to x into, छोड़ दो ना. Yes, sir. यहाँ से du by dx का जो वैल्यू निकालोगे वो इसमें डाल देना, तुम बोलोगे सर पता है, छोड़िए ना, लिखना है तो लिख लो, किसी को डाउट है तो बोलो. आगे चलूं? थोड़ा रुकिए सर. हाँ सर, ओके. नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, हाँ मैं टेस्ट लूंगा उसके बाद इस टॉपिक का, डिफरेंशिएशन का. हाँ चलो आगे चल रहा हूँ, शुरू करूँ? हाँ सर. यस सर. कभी कभी इनफाइनाइट सीरीज दिया रहेगा तुम्हें डिफरेंशिएशन जैसे निकालने के लिए बोलेगा, ऐसे प्रॉब्लम. फाइंड डी वाई बाई डी एक्स if y is equal to root over of x plus root over of x plus root over of x up to infinity. तो इसका एक तरीका है, इसमें ब्लॉक कहां से रिपीट होता है तुम्हें ये देखना है. अगर ये y है तो अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? वाई स्क्वायर करने से पहला वाला रूट हट जाएगा या नहीं? मगर क्योंकि ये भी इन्फिनिटी तक है तो क्या वाई लिख देंगे? ये खुद वाई नहीं है. यस सर. क्योंकि इन्फिनिटी तक है, किसी को डाउट है तो बोलोगे रे, वाई स्क्वायर का वैल्यू तब क्या हो गया? एक्स प्लस वाई. अब अगर मैं डिफरेंशिएट करूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो क्या होगा? वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वाई स्क्वायर डीवाई बाय डीएक्स डीवाई बाय डीएक्स का डिफरेंशिएशन वन, और वाई का डिफरेंशिएशन डीवाई बाय डीएक्स. इसे को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो. आंसर ए हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डीवाई बाय डीएक्स. ये नहीं होगा, मतलब डीवाई बाय डीएक्स का वैल्यू लिखना होगा 1 by 2y minus 1. आया समझ में? हाँ सर. आंसर हर समय dy by dx के वैल्यू में खत्म करोगे, वो मैं नहीं कर रहा हूं. टेस्ट नेक्स्ट क्लास लेंगे. बता दूंगा. हाँ अगर तुम लोग मतलब ये हो सकता है कि एक ट्रायल टेस्ट मैं इस वीक में भी देखता हूँ, मतलब ऑब्जेक्टिव टेस्ट का बात कह रहा हूँ, ठीक है? बता दूंगा तुम लोगों को, टाइमिंग बता दूंगा. तो वो हमारे एंट्रेंस में बैच का जो टेस्ट है उसका पोर्टल थोड़ा लेट तक दे सकते हैं क्या? विंडो ओपनिंग रात का, रात वाले टेस्ट का? यस सर. ठीक है देखता हूँ. 12 बजे तक देना प्रॉब्लम हो जाएगा, मगर क्या 11 बजे तक क्लास है तुम लोगों का तो कहीं होगा. हाँ
हाँ सर, मतलब ऐसे 10 से अगर 11:30 टाइप का अगर हो सके तो देख लेता हूँ, रुक जाओ। ठीक है, ओके सर, आगे चलूं? सर संडे होगा क्या या फिर वीक डेज में? नहीं संडे ही लूंगा, तुम लोगों का भी बोर्ड वाला भी संडे ही लूंगा, बता दूंगा। हाँ ठीक है, आगे चलूं मैं? तो जैसे अब अगर ये वाला सम डीवाई बाय डीएक्स निकालना है, तो क्या करोगे? वाई को जब तुम ये लिखते हो तो ये वाला ब्लॉक और ये पूरा वाला ब्लॉक सेम है या नहीं? हाँ सर। यस सर। समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है तो बोलोगे। हाँ, तो इसका मतलब है मैं क्या कर सकता हूं था? ये इस वाले ब्लॉक को मैं, इस येलो वाले को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं था? वाई। और ऐसे को सॉल्व करने के लिए भी थोड़े पहले मैंने कुछ कहा था, लॉग y log x हो जाएगा। और अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा? log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy/dx, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और y का डिफरेंशिएशन dy/dx, निकाल लेना dy/dx हो तुम्हारा काम, किसी को लिखना है तो लिखो। दो एक्सरसाइज बाकी है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, एक्सरसाइज 5.6 और 5.7। 5.8 जो है वो रॉल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम, उसे मैं AOD के साथ मार दूंगा, ये यहाँ पे नहीं। सर क्या करेंगे सर? नेक्स्ट क्लास में ये दो कराऊंगा और एक एक्सरसाइज है रॉल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम, मगर वो AOD के साथ मैं करूंगा ना कि इसके साथ करूंगा, डिफरेंशिएशन के साथ, क्योंकि वो एक्चुअली में AOD का टॉपिक है। इन लोगों ने यहाँ पे क्यों दिया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए इस टॉपिक के बाद मैं मैट्रिसेस शुरू करूंगा। नेक्स्ट क्लास नहीं, नेक्स्ट क्लास तो डिफरेंशिएशन ही होगा, उसके बाद मैट्रिसेस करूंगा। इसका TBS भेज दूंगा तुम लोग को, मुझे थोड़ा याद दिला देना तो आज रात को कल। सर थोड़ा जल्दी TBS भेजिए, थोड़ा लेट हो जा रहा है भेजने में। भेज दे, बाद में कभी ले लेता हूँ, ठीक है, अभी मेरा और एक क्लास है इसीलिए। हाँ डिप्लॉक्सी, तेरा जो मैक्सिमम डाउट है वो आरडी का ऑब्जेक्टिव है जो जेई बोर्ड लेवल में नहीं है। हाँ थैंक यू सर, मेरा वाला था। थैंक यू सर। और तेरा क्या डाउट था सर? वो थैंक यू सर, नेचुरल नंबर का एक फंक्शंस का, रिलेशनल फंक्शन का।